Participant, it's time to start our second session, and our resource person, Dr. Farhana Khurshid, is here with us. I would like to give a brief introduction of Dr. Farhana Khurshid. Dr. Farhana Khurshid has completed her PhD in ICT in education from King College, London. She is currently associated with Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi. She is an experienced teacher and trainer as well. Over to you, ma'am. You can start the session. Thank you very much for this introduction and also giving me the opportunity. And I always really feel good, and it's my pleasure to contribute or share something which I know. I think there is a few things which we know, and sharing and listening to the people how they are coping with their online kind of stuff and other things. So thank you very much. And then assalamu alaikum, dear participants. Kaise aap log sab? Allah ka shukar, ma'am. Or okay, you are having good learning experiences with the this training sessions. Ji, bilkul. Acha. So first of all, I just want to know that which actually, what would you like to be the need to talk? अन्य अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं अभी आपसे जस्ट सिंपल बात कर रहा हूँ. मैं हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी मैम, आ रही है आवाज. जी, मैं सिर्फ अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, मैं आपसे सिर्फ अभी ये बात कर रही हूँ कि आप लोग किस तरह से the way you are comfortable with the language. देखें उसके अंदर, what my point is, important is के to share, to learn, और उन concepts को सीखना important है. Language को use करना is not that important for me. So if you are comfortable with, that is what I really want to ask, to which you are comfortable, so I'll be delivering my all session in that language. बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए जरूरी है कि हम सीखें करना क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे टाइम में इस लैंग्वेज के जो बैरियर में जो है वो उलझ के जो है वो असल बात से हम डिविएट हो जाते हैं. सो दैट मेरा पॉइंट आपसे पहले पूछने का. सो सो दिस सेशन इज अबाउट, आई नो के दिस टाइम, ये जो आजकल का जो टाइम है हमारा, यू आर क्वाइट वेल अवेयर ऑफ के हमारे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट की जो पूरी दुनिया है, इससे नाउ हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते या हम नहीं समझते कि लोगों को कुछ पता नहीं है या क्या है. वी नो देम, और हमें ये भी पता है कि इंफॉर्मेशन को किस तरह से लेना है, कैसे रिट्रीव करना है, क्या सिलसिला है. लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, मोर ऑर्गेनाइज होती हैं, और उसको उस तरह से जब हमें उनके यूज और उसका पता चल जाता है तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल, हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है, हमारी टीचिंग लर्निंग ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है. सो ये इसका ये एफर्ट है. मैं शुरू में इसलिए बात करती हूँ कि मेरा कोई बहुत बिग क्लेम नहीं होता कि हम कोई बहुत बहुत कुछ, मैं जानती हूँ, आई नो कि आप लोगों को भी बहुत कुछ पता है और होता भी है इसी तरह से. तो आज का जो सेशन है एक्चुअली वो ये है कि कीपिंग इन व्यू, ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की एक बड़ी अच्छी एफर्ट है कि उन्होंने इस सिचुएशन को, जो हमारी एक पूरा साल हो गया, देखिए मार्च में लास्ट आपको पता ना लॉकडाउन हुआ था, और इस टाइम को एक पूरा साल गुजर गया, लेकिन उसी पिछले मई जून अप्रैल से ही पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने, रियलाइजिंग द फैक्ट कि अब हमें एकदम से सडनली वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम फेस टू ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, तो उन्होंने इस चीज को के जो ट्रेनिंग्स हैं और इस तरह के सेशंस हैं अवेयरनेस के, वो उन्होंने अरेंज किए आप लोगों के लिए. और ये आई थिंक कि आप लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे कि ये बड़ी अच्छी एक एफर्ट है उनकी कि उन्होंने इसी मीडियम को यूज़ किया कि रादर देन के वो हमारी जो लिमिटेशन है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, आ नहीं सकते, तो अपनी अपनी जगह बैठ के काम तो हमने करना है, काम तो हमने चलाना है, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छा वेल थॉट थ्रू, और उसके बाद उन्होंने आप लोगों के हेल्प के लिए और शेयरिंग के लिए ये ट्रेनिंग जो थी वो अरेंज की है. तो उसमें जो दिस सेशन है दैट इज अबाउट कि ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड रिसोर्सेज. सो दिस सेशन विल बी फोकसिंग ऑन कि देखें इंटरनेट के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की
कि बहुत कुछ है, बहुत सारा मटेरियल है जिसको कि शायद हम कभी पूरी जिंदगी भी कवर नहीं कर सकते, इतनी कुछ इसके अंदर, द वर्ल्ड इज देयर इनसाइड द इंटरनेट. लेकिन फॉर द ऑनलाइन टीचिंग, जब हम कहते हैं कि अब हमने अपने मोड को शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन टीचिंग में, तो उसके लिए हमें कैसे विदाउट प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्टीज है, और जो कि हमने एक पूरे साल के अंदर अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हमने फेस किए भी हैं, जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया भी है, इश्यूज रिजॉल्व भी किए हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वी आर जस्ट इन अ फेज ऑफ ये जो लर्निंग का फेज है, ट्रांजिशन का फेज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वी फॉर द लास्ट हमारी पूरी जिंदगी हम फेस टू फेस के ही आती हैं, और ऑनलाइन का तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है, ना हमें ना हमारे स्टूडेंट्स को. तो जो भी एक चेंज होती है उसका एक ट्रांजिशनल फेज होता है, ये उसका ट्रांजिशनल फेज है. इसमें हम चीजों को, इश्यूज को, रिसोर्सेज को, जो भी हमारी चीजें हैं उनको हम देख रहे हैं कि कौन सा विच वर्क बेस्ट फॉर अस. और इन ये वाला सेशन जो इसी पर होगा कि जस्ट टू गिव यू अ फोकस्ड ओवरव्यू, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो बहुत कुछ है, लेकिन देर आर सम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि वेबसाइट्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड जो है मटेरियल्स और रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर दिए हुए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें सबसे पहला है, माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन? एक सेकंड के लिए सोचे एंड प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट. हेलो, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? मैडम आ रही है जी. डॉक्टर किनका हाथ भी खड़ा हुआ है, जवेरिया बतूल जी प्लीज. मैम ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली विदाउट जो है डायरेक्ट उनसे बच्चों से इनकाउंटर किए बगैर मल्टीमीडिया या मतलब आप इंटरनेट के थ्रू आप उससे उनको टीच करते हैं घर बैठे, या उनके बच्चे घर बैठे रहेंगे या जहां भी वो बैठना चाहते हैं उनको इंटरनेट की फैसिलिटी है, और टीचर्स जो है वो मतलब ऑनलाइन उनको एजुकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, पीडीएफ, एलएमएस, डिफरेंट यूज करके टूल्स. वेरी राइट जी. इस वक्त हम ऑनलाइन एजुकेशन आपसे ले रहे हैं. हाँ जी जी, बिल्कुल सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है. सो मिस्टर अजीम अंसारी साहब का भी हाथ है, आपके हाथ में. एजुकेशन विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट इज द ऑनलाइन एजुकेशन वाया इंटरनेट आर्ट आर एन. जी बिल्कुल सही, ऐसा ही है, जब हम और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बजाय जो है वो करते हैं. Then, और आयशा अहमद आप कह रही हैं कुछ जी? आयशा ये मतलब है ये कि शिफ्टिंग ऑफ मैनेजमेंट लाइक स्टाफ एंड स्टूडेंट स्टडिंग थ्रू अ सॉफ्टवेयर. ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है जी. ठीक है जी, थैंक यू. और कोई एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग? मैडम वेरी सिंपल जी. जी मैडम, वेरी सिंपल ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन से मुराद हम ये ले सकते हैं कि जहां पर स्पीकर और रिसीवर जो है वो रिमोट लोकेशंस पर हों और थ्रू इंटरनेट वे एक दूसरे से कनेक्टेड हो. जी ऐसा ही, बिल्कुल सही. हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी राइट, वेरी राइट. सो कोई और कुछ कहना चाहता है हमें कंटिन्यू? जी प्लीज प्लीज जी. वालेकुम अस्सलाम. मैं बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है, क्या इंटरनेट का इनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? रिकॉर्डेड भी तो हो सकता है. हाँ जी, रिकॉर्डेड भी हो सकता है. मतलब देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई चीज जो है वो रिकॉर्ड करके किसी को दी जा सकती है, कोई सीडी या कोई किसी उसके अंदर होता है तो. लेकिन वो बात आपकी कंसर्न बिल्कुल सही है कि वो भी ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज इन टूडेज टाइम, आजकल के वक्त के अंदर जब हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी मौजूद है, तो फिर हम इसलिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी को प्रेफर करते हैं फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग या उसके लिए, ताकि जो है वो हम उसी तरह फेस टू फेस की तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें. ये वो वाली बात होती है. तो लेकिन रिकॉर्डेड भी हो सकता है, मतलब अगर डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि देखें अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफरिंग को देखते हैं, वो भी डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन है,
तो वो भी बहुत सारा मटेरियल जो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं सीडी के ऊपर और उस तरह से, तो वो रिकॉर्डेड मटेरियल भी उनको पहुंचता है, लेकिन प्लस उनकी टीचिंग वो भी होती है. सो दैट ऑल ऑल जो है डिफरेंट जो है डायमेंशन है उसके, मोड्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के. बड़ा अच्छा आपने पॉइंट इसको किया, शुक्रिया मैडम. जी बिल्कुल. अच्छा, फिर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन को अगर हम थोड़ा सा फॉर्मली देखते हैं तो उसमें यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज अ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी सिस्टम दैट एनकंपासेस एनी काइंड ऑफ लर्निंग दैट टेक्स प्लेस वाया द इंटरनेट. ऑफ कोर्स ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें इंटरनेट वाली बात जो है वो जरूरी आ जाती है. मतलब हम किस तरह से उनको डिलीवर करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड मटीरियल है या कोई भी कौन. सो देखिए, इससे पहले जो ऑनलाइन का लफ्ज टर्म नहीं थी, आपको पता है इससे पहले जो डिस्टेंस एजुकेशन का है वो हमारे यहाँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन पे डिलीवर कर रही थी, लेकिन उसको हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कहते थे. ऐसा ही है ना, उसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते थे. अब वो क्या था कि उसमें किसी भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस तरह से नहीं है. वो एक बुक्स है, जिस भी आप कोर्स में एनरोल हुए हैं वो बुक्स हैं, वो बुक्स का पैक आप भेज देते हैं वो मिल जाती हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स उनको रीड करते हैं. उनको जो भी कोई ट्यूटर वगैरह साइन होते हैं उसके बाद असाइनमेंट्स पे उनको जो भी कोई इश्यूज होते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे होते हैं वो एक उनके जो करीब लोकेलिटी में उनको साइन होते हैं वो जाके उनसे वो कर लेते हैं. तो वो एक डिस्टेंस लर्निंग की फॉर्म है. जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो उसमें इंटरनेट की बात जो है वो थोड़ा थोड़ी ज्यादा आ जाती है. सो ऑनलाइन लर्निंग गिव्स एजुकेटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीच स्टूडेंट्स who may not be able to enroll in a traditional classroom course and support students who need to work on their own schedule and at their own pace. So online education definitely kyunki hum flexible kehte hain isliye is flexibility mein ek point ye aa jata hai ki the one who is sitting very remotely in some part of the jo bhi kisi bhi country ke kisi usme hai aur wo direct kisi university mein agar nahi bhi aa sakta kisi college mein तो उनके लिए ये प्रोविजन है कि वो दे कैन एक्सेस द एजुकेशन इक्वली वो, और फिर अपने ओन स्केड्यूल पे अपने जिस तरह से भी उनका पेस ऑफ लर्निंग है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो विद द इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनी प्लेस दैट वुड नॉर्मली बी अवेलेबल ओनली थ्रू द ट्रेडिशनल क्लासरूम. अब ऑनलाइन एजुकेशन में देखिए एक और बात है कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत ज्यादा हो गई है. अब वो बात नहीं रही है कि पहले तो ये होता था फेस टू फेस क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि चूंकि बिकॉज हम विदाउट एक्सेप्शन या हम इस बात को एडमिट करते हैं बिकॉज हमारे यहाँ अभी तक भी टीचिंग लर्निंग क्लासरूम के अंदर टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही है. स्टूडेंट वेट फॉर द टीचर टू डिलीवर द लेक्चर, या वो जो भी उनको नोट्स दे दें या लेक्चर डिलीवर कर दें वो उसका इंतजार करते हैं. इसके बाद जो टीचर ने लेक्चर दे दिया, जो नोट्स उनको प्रोवाइड कर दिए, वो उनके लिए वही सोर्स ऑफ नॉलेज होता है. और उसके बाद वो या वो रेफर कर दे कि अच्छा लाइब्रेरी में बैठ के कोई किताब पढ़ लें. लेकिन अब वो टाइम चेंज हो गया है. अब तो खुद ही जो है वो नेट के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप वो खुद एक्सेस कर लेते हैं. तो स्टडीज हैव शोन दैट स्टूडेंट्स लर्न जस्ट एज इफेक्टिवली in an online classroom as they do in the traditional classroom. अब देखिए इसके अंदर जो जितनी अब हमारे कंट्री में तो ये चूंकि एक नया आया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन और कोविड की सिचुएशन की वजह से, लेकिन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके अंदर तो ये एक बहुत फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स ये एक प्रैक्टिस थी. और इवन मैं आपको बताऊँ कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स रेगुलरली इन्वॉल्व हैं, वो भी एक या दो कोर्सेज ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को जरूर ऑफर करते हैं. ऑल्दो के स्टूडेंट्स ऑन कैंपस आ रहे हैं, लेकिन जस्ट टू गिव देम द एक्सपीरियंस और उनको इसके लिए यूज टू करने के लिए वो एक या दो कोर्सेज ऑनलाइन जरूर देते हैं. तो लेकिन अब उसके उसके ऊपर उसकी इफेक्टिविटी और उसकी लर्निंग पे जब उन्होंने रिसर्च की है तो उसका रिजल्ट ये आया है कि स्टूडेंट्स कैन लर्न एज इफेक्टिवली इन ऑनलाइन क्लासरूम एज ट्रेडिशनल क्लास. लेकिन अब उसके लिए जब हम इफेक्टिव की बात करते हैं, अभी तो हमें यही लग रहा है कि नहीं. अब मैं भी ऐसे ही कहती हूँ कि जितना फेस टू फेस स्टूडेंट अच्छा लर्न करते हैं वो ऑनलाइन में नहीं करते, उस तरह से नहीं करते. लेकिन जब हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे, जब हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, हम अच्छा सारी टीचिंग और उनको सारे मटीरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो लर्निंग उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी के ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम.
अब ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, डिजिटल नोट्स देखें। अब वो हुआ क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हमने ये देखा कि पहले ये होता है क्लासरूम फेस टू फेस में हर के पास एक नोटबुक है, टीचर जो पढ़ा रहा है उससे वो नोट्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं भी है तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल नोट्स मीन्स कि हम उनको जो रीडिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट। देन हार्ड जो हार्ड बाउंड बुक्स हैं उन्होंने उसकी जगह पर ई बुक्स ने कर दिया। अब यू डोंट नीड टू गो टू द लाइब्रेरी एवरी टाइम। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर इनरोल्ड हैं या उससे कर रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। अब पब्लिशर्स और बहुत सारी कंपनीज जो बुक कंपनीज हैं उन्होंने हर बुक का एक ई वर्जन भी निकाल दिया, और आपको एक्सपीरियंस होगा नेट के ऊपर भी, वैसे भी बहुत सारी ई बुक्स जो है वो अवेलेबल आपको मिल जाती है उन्हीं की जो हार्ड कॉपी बुक्स है। देन टीचिंग स्लाइड्स, जैसे मैं आपको ये टीचिंग स्लाइड्स जो है वो दिखा रही हूँ, तो ये दैट इज अगेन कि अगर फेस टू फेस में आप कहीं नहीं भी यूज करें लेकिन ऑनलाइन में इसके लिए थोड़ा सा कि टू कीप स्टूडेंट फोकस्ड, टू लर्नर फोकस्ड के व्हाट वी आर what is going on in this particular session or uske andar. Phir video conferencing bhi ho sakti hai wherever needed. Agar hum abhi bhi chahenge hum sab camera on kar le to hamari video conference bhi ho sakti hai. Phir assessment, which is the very compulsory and required part of any course, any study courses, to us assessment bhi equally aap kar sakte hain through online quizzes, through online assignments and online test. Iske bhi itne tarike nikal aaye hain कि हम अब ये समझते हैं कि अच्छा असेसमेंट भी कोई मुश्किल नहीं, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट क्लासरूम में आए और पेपर और पेंसिल पर ही एग्जाम दें तो हो सकता है, हम ये थ्रू की अच्छी तरह से असेसमेंट भी इक्वली गुड वे में कर सकते हैं। फिर अगर मैं आपसे कहूँ अगेन कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग, तो कोई थोड़े से डिफरेंस मुझे बताएंगे आप, आपको क्या लगा आपके एक्सपीरियंसेस पे? आप लोग सारे ऑनलाइन टीचिंग की है ना आप लोगों ने इस पूरे साल के अंदर? यस मैम, अज़ीम इज़ हियर। जी बिल्कुल। व्हेनेवर वी आर इन क्लासरूम्स वी हैव टू मेंटेन आवर आई कांटेक्ट, इट मींस अ लॉट। व्हेनेवर यू आर फिजिकली अपीयर्ड इन क्लास एंड यू हैव योर आई कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स, दे इट कैन ब्रिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर इमैच्योर एंड दे आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्प्ले और व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट from students. These kind of problems are existed in our society because this mode of education is a new for them. It will take time, though it remained vague in European countries since from last two decades. As we are the newcomers, so our students are facing problems and they are not properly making response. जी डॉक्टर जवेरिया बतूल जी, आप बताइए। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर जवेरिया। मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरे नेफ्यू जो है वो यूएई में थे और यूएई में हैं और वो लेवल्स पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे ना माइक्रोसॉफ्ट टीम में अपने लॉग इन करा दिया। तो उनकी जो क्लास थी मैम, चाहे वो बच्चा एबसेंट हो, चाहे वो बच्चा इल है, उसने अटेंड किया या नहीं किया, ईच एंड एवरी सेंटेंस जो बच्चों ने कम्युनिकेट किया है, जो सेंटेंसेस जो व्यूज दिए हैं, जो उनके हर टीचर की पीडीएफ, हर टीचर की पावर पॉइंट स्लाइड्स वहां पे अवेलेबल थी, और यानी कि एक बच्चा जो बिल्कुल एब्सेंट हो गया या उसकी लीव्स भी हो गई हैं, इवन देन वो मतलब क्लास में के हर हर वर्ड से भी फेमिलियर है कि क्या क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने और क्या आंसर हुआ था, एवरीथिंग इज देयर, हर असाइनमेंट, हर क्विज। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ये एडवांस हो जाता है तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी ज्यादा बेटर है। यानी कि मैं एज अ टीचर उसे पढ़ा रही थी और मुझे हर मटेरियल पता चल गया कि क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं। तो मैं इस चीज को, बल्कि मुझे अब आके रियलाइज हुआ, पहले मैं इसको बुरा समझती थी, लेकिन अब आके मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम इस सिस्टम को अच्छी तरह ले आते हैं तो ये उससे भी बेटर है कि एक बच्चा पूरी टर्म भी एबसेंट रहा है या हाँ उसका भी इल हो गया है, कुछ हो गया है, तो वो बहुत अच्छी तरह पास आउट कर सकता है। जी बिल्कुल सही है जी। आयशा का हाथ खड़ा था। जी आयशा अहमद। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं इससे एग्री नहीं कर रही, मैं ये समझती हूँ कि फेस टू फेस टीचिंग इज बेटर देन ऑनलाइन, क्योंकि इन फेस टू फेस टीचिंग देयर इज अ गुड लिंक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। और ऑनलाइन में मैम ये होता है कि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट जो है वो अगर
नहीं है उसमें तो वो आपको पता नहीं चलता उसके अटेंडेंस का, या बाज़फा वो नहीं होता वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो फिर उसका इतना आपको पता नहीं होता, लेकिन फेस टू फेस में आपको सब पता चल रहा होता है, एक्सप्रेशंस भी पता चल रहे होते हैं बच्चे के और सब आप उसको चेक कर रहे होते हैं। जी ठीक ठीक हो गया। देखिए उसके अंदर हाँ ये मतलब अभी देखिए अभी हम लोग में कह रहे होते हैं कि अभी हम ट्रांजिशन की फेज में है। चलिए जी अजीम अंसारी साहब कुछ कह रहे हैं बताइए। जी मैम व्हेन आई ट्राई एजुकेट माय स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई अडॉप्टेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रिगार्डिंग अबाउट द डिलीवरेंस ऑफ माय लेक्चर्स whenever I was in class with my students, I was not so formal in my behavior. But when I was going to deliver my lectures in online classes, I was too much formal, and I have left no stone unturned to make my lecture wonderful and excellent in all respects. No, कोई इधर-उधर की बात नहीं इसमें शामिल। हाँ जी सही है वो बात अगे वो यही बात आ जाती है बिल्कुल सही है आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन और मुझे बड़ा अच्छा आई एम रियली एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू। कि बाज़कात ऐसा होता है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आप फोर्स करना पड़ता है ना उनको कुछ कहें, बट आप माशाल्लाह से बड़े अच्छे एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करें एंड आई फील रियली मोटिवेटेड। सो हेयर आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई हैव जॉटेड डाउन बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस एज वेल। इफ यू ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑनलाइन एंड द फेस टू फेस एजुकेशन उसके अंदर है क्या बात और इन पे फिर हमने मतलब उसको फिर किस तरह से फोकस करना है किस चीज पे। सो सबसे पहले तो जैसे आप लोगों ने भी कहा था कि एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल मीटिंग स्पेस दैट इज वेरी क्लियर। टाइम स्पेंट दूसरा जो डिफरेंस है टाइम स्पेंट प्लानिंग एंड क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट। अब आप ये देखें कि दिस पॉइंट आई ऑलवेज क्योंकि ये पहला होना चाहिए लेकिन क्योंकि हम पहला पॉइंट वो रखते हैं कि जिसमें जाहिर एक फर्क तो है ऑनलाइन जो है फिजिकल स्पेस की एब्सेंस है। लेकिन देखिए अभी जो आप लोगों ने भी शेयर किया आपका एक्सपीरियंस भी हुआ कि इफ यू आर एबल टू प्लान गुड योर टीचिंग और क्रिएट गुड ऑनलाइन कंटेंट अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक अच्छी डिलीवरी कर सकते हैं एज अ टीचर गुड डिलीवर कर सकते हैं अच्छा पढ़ा सकते हैं उसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है दिस इज द की फॉर मी क्योंकि बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस अभी तो दिस इज द थर्ड सेमेस्टर व्हिच वी आर टेकिंग इन ये जो सारा पूरा साल हो गया हमारा एक तीसरा इस साल के अंदर सेमेस्टर चल रहा है जो हम ऑनलाइन टीचिंग और उसके अंदर कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि जितना अच्छा हम अपने कोर्स को अपनी टीचिंग को प्लान कर लेंगे उतना ही अच्छा हमारी टीचिंग होगी और उतने हम सक्सेसफुल होंगे। वन सेकेंड थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन जो है डेफिनेटली वी नीड सम मीडिएटेड ऑनलाइन चैनल फॉर द कम्युनिकेशन। इन केस ऑफ फेस टू फेस क्लासरूम हमें कोई इस तरह की जरूरत नहीं होती वी कैन टॉक टू ईच अदर, लेकिन अगर इंटरनेट है या माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू है कनेक्टेड है या गूगल मीट के थ्रू है या जूम के थ्रू स्काइप है कोई भी है वो हमें कोई एक मीडिएटेड चैनल चाहिए होगा जो कि हमें फेस टू फेस नहीं चाहिए होगा। फिर डिलेड फीडबैक टू द स्टूडेंट अगेन इज वन ऑफ द डिफरेंस कि बिकॉज इन केस ऑफ द ऑनलाइन इफ द स्टूडेंट्स दे हैव सम क्वेश्चन तो उसमें अगर कहीं पर किसी भी टाइम पर उसको कोई सवाल है तो वो एक सवाल आपको लिखेगा जब आप उसको देखेंगे उसका रिप्लाई करेंगे तो फीडबैक थोड़ी सी बहुत क्विक नहीं भी हो सकती। एम्फेसिस ऑन विजुअल डिजाइन ऑफ द कॉन्टेंट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज लिंक टू दिस सेकंड पॉइंट टाइम स्पेंड प्लानिंग कि इन केस ऑफ द फेस टू फेस बिकॉज यू आर देयर एज अ टीचर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू योर स्टूडेंट्स अपने बताने के लिए मौजूद होते हो और उसके बाद आप उनको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो तो स्टूडेंट के पास एक है कि अच्छा टीचर से जो भी पूछेंगे वो बता देंगे। लेकिन जब हमने ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर करना है तो इट शुड नॉट बी ओनली द कॉन्टेंट द टेक्स्ट ओनली उसके अंदर विजुअल्स वीडियोस ये चीजें हम इंक्लूड करेंगे सो दैट इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज अंडरस्टैंड। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल हो गया एंड देन टाइम ऑनलाइन सारा हमारा ज्यादा ऑनलाइन चला जाता है इंस्टेड ऑफ द क्लासरूम में क्लास पार्टिसिपेशन। अब देखिए जैसे आपने कहा एक ने कि भी हमें पता ही नहीं है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं क्लास पार्टिसिपेशन के स्टूडेंट अटेंडेंस ले लेते हैं। अब उस अटेंडेंस में वो अटेंडेंस हो जाती है यानी हमें ये नहीं पता कि वो अटेंटिव है या नहीं है
लेकिन जो लॉग इन है वो प्रेजेंट है. देन हमारे अब जितने भी जब लॉकडाउन में हम ऑफिस आवर्स भी हमारे सारे ऑनलाइन चले जाते हैं. सो दीज आर फ्यू ऑफ द डिफरेंसेस. अब जो ये वाला सेशन जो हम ज्यादा बात करेंगे कि ये वाला सेकेंड पॉइंट एंड दिस पॉइंट एम्फसिस ऑन विजुअल डिजाइन एंड टाइम स्पेंट ऑन प्लानिंग एंड क्रिएटिंग ऑनलाइन कॉन्टेंट बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट हाउ यू प्लान योर कॉन्टेंट एंड हाउ यू मेक योर टीचिंग टू दैट लेवल कि आप उसको इफेक्टिवली किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को भी एंगेज कर सके, खुद भी सेटिस्फाइड हो और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके फॉर द टीचिंग. इसके लिए क्या है कि वी एज अ टीचर वी नीड टू नो कि वेयर आर द रिसोर्सेज, किस तरह हमने प्लान करना है, वो रिसोर्सेज हमने कैसे लोकेट करने हैं, कहाँ पर मौजूद है. इंटरनेट तो भरा पड़ा है उससे, तो आज उनमें से नॉट द ऑल बट वेरी फ्यू कुछ चीजें, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट भी कह सकते हैं, उनको एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल. उसमें हमारा फोकस ये सेशन है. तो उसमें अब जितनी जो हम एजुकेशनल वेबसाइट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास तीन हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, एडेक्स, कोर्सेरा और खान अकेडमी. आपने सुने भी नाम इनके पहले, इससे पहले? यस मैम, सुने में. हाँ जी, तो खान अकेडमी सुना है. तो आज थोड़ा सा हम इनको डिटेल में करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम किस तरह इनको कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल edX इज अ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और एजुकेशनल वेबसाइट आप इसको कह सकते हैं. अब बेसिकली ये है क्या, सो edX इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर क्रिएटेड बाय हार्वर्ड एंड MIT. अब देखिए, आपने शायद इससे पहले MOOCs का नाम सुना कभी? आर यू फेमिलियर विद द टर्म MOOCs? अच्छा, जो अच्छा चले कोई बात नहीं. MOOCs जो है बेसिकली ये इसका एब्रीविएशन है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. जब हम इसको कोर्सेज कह देते हैं तो वो MOOCs हो जाता है. सो द MOOCs किसके लिए है? ऑनलाइन कोर्सेज के लिए. अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब क्या है कि इफ दे आर अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल लिविंग एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर किसी को अवेलेबल है, ओपन है, ऑनलाइन कोर्सेज है, कोई भी उसके अंदर एनरोल हो सकता है. तो इसलिए MOOCs एक जनरल टर्म है जो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए यूज की जाती है. अब ये edX जो वेबसाइट है ये क्रिएट की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों अमेरिकन है. इन्होंने मिलकर ये एजुकेशनल वेबसाइट क्रिएट की एंड इट होस्ट्स ऑनलाइन यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज इन अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स टू अ वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट बॉडी इंक्लूडिंग सम कोर्सेज एट नो चार्ज. अब देखिए, इन्होंने पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को, एल्डर्स को, हम एज अ टीचर बहुत ज्यादा कोर्सेज जो हैं वो ऑफर करते हैं और कुछ इनके कोर्सेज ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, फ्री कोर्सेज हैं. इट ऑल्सो कंडक्ट्स रिसर्च इनटू लर्निंग बेस्ड ऑन हाउ पीपल यूज इट्स प्लेटफॉर्म. यूनिवर्सिटी है ना, और आपको पता है यूनिवर्सिटी की एक करेक्टरिस्टिक जो है वो रिसर्च होता है. तो ये रिसर्च करते रहते हैं, ये देखते रहते हैं कि प्लेटफॉर्म ये वाला जो है उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, लोगों की क्या कंसर्न इसके बारे में आ रहे हैं, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. अब ये कोर्स ऑफर कैसे करते हैं? So edX courses consist of weekly learning sequence. अब जैसे हमारे यहाँ weekly learning sequence नहीं होता, हम तो उनको जैसे हमारे mid semester है या mid term इस तरह से हैं, तो और ये short courses होते हैं like 4-week course, 6-week course, 8-week course. अब उनका जो आपको ये learning और सारा material week wise, week one, week two, week three के लिहाज से वो आपको देते हैं. Each learning sequence is composed of short videos interspersed with the interactive learning exercises where students can immediately practice the concept from the videos. So this is the point which I was highlighting in my previous slide, that the visual contents. So the visual contents actually in combination with all the textual material, so they are providing the videos. So by watching the video, you definitely agree with me. When you read about something and when you watch something, so what is the difference of learning between two? Kya difference hoga? If you are watching something and if you are reading something, the same thing. Which way the learning will be the better? I think watching. Watching, definitely. So when we are watching, so we understand it more, we learn it more. Or us tarah se. So keeping that view in, because we are not face to face to each other and explain everything there, so they have actually included the videos related to the each concept. Uske andar unhone wo kiya taaki students read bhi kare
और उसके बाद साथ वीडियो भी देखें तो उनको वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, और इसके साथ साथ उनकी लर्निंग एक्सरसाइजेस भी है जो कि वो असेसमेंट का पर्पस भी है. द कोर्सेज ऑफन इंक्लूड ट्यूटोरियल वीडियोस दैट आर सिमिलर टू स्मॉल ऑन कैंपस डिस्कशन ग्रुप्स, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है वेयर स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड रिव्यू क्वेश्चंस एंड कमेंट ऑन ईच अदर एंड टीचिंग असिस्टेंट. अब ये कोर्सेज है, इसके अंदर क्या क्या है, ट्यूटोरियल वीडियोस है जैसे किसी भी चीज के बारे में ये समझा रहे हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस भी हो रही हैं, फोरम्स भी हैं, टेक्स्ट बुक भी उन्होंने साथ में प्रोवाइड की हुई है, और क्वेश्चन आंसर इंटरेक्टिव वे में स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को आंसर करते हैं और टीचर के साथ भी करते हैं. Then, where applicable, online laboratories, they are incorporated into the course. और जो online laboratories हैं, देखिए अब उन्होंने ये भी arrange किया कि all the courses, they are not just a theoretical nature. There are many courses which are practical in nature as well. For example, जैसे हम कहते हैं electronics हैं, computer है, और science के courses हैं, उनको lab भी चाहिए ना, तो उन्होंने उसको भी इसके अंदर अपने courses में incorporate कर लिया. For example, in edX first MOOC, a circuits and electronic course, students built virtual circuits in an online lab. अब क्या किया कि ये कोर्स था जो कि उनका था ही सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो स्टूडेंट्स ने वर्चुअल जो थे वो सर्किट्स बिल्ड किए इसमें जो उनकी वर्चुअल लैब थी. कोर्सेज आर ऑफर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अरेबिक, चाइनीज वगैरह सारी ये लिखी हुई है, इंग्लिश, फ्रेंच, हिब्रियो, इंडोनेशियन, कोरियन, पोलिश, पोर्तुगीज, रशियन, स्पेनिश, थाई, यूक्रेनियन. सो व्हाई दे आर ऑफरिंग, क्यों इतनी लैंग्वेजेस में ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज? हेलो मैम, बिकॉज डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट लैंग्वेज के लोग सब लर्न कर सकें अपनी लैंग्वेज में. एक्जैक्टली, क्योंकि देखिए MOOCs है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन ना, हम ये कह रहे हैं कि इसके बेनिफिशियरी एवरी इंडिविजुअल व्हिच इज रेजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द बेनिफिशियरी, इसलिए वो रेंज ऑफ लैंग्वेजेस में अपनी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. सो दैट समबडी is not feeling ki acha oh because of the language main ye course nahi kar sakta. So and then edX offer certificates of successful completion and some courses are credit eligible. Ye when you complete that course from the edX to wo stand mein aapko certificate bhi dete hain jab aap usko complete kar lete hain, aur uske baad unke courses ka jo hai wo level aur unka जो है वो क्राइटेरिया या उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले उसको क्रेडिट भी दे सकते हैं अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर. एडेक्स ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ वेज टू टेक कोर्सेज इंक्लूडिंग वेरीफाइड कोर्सेज वेयर स्टूडेंट्स हैव द ऑप्शन टू ऑडिट द कोर्स नो कॉस्ट और टू वर्क टूवर्ड एन एडेक्स वेरीफाइड सर्टिफिकेट, फीस वेरी बाय द कोर्स. अब उसमें क्या है कि दो तरह की उनकी ऑफरिंग है, एक उनके वेरीफाइड कोर्सेज हैं जिसमें उनके ऑडिट की ऑप्शन है. ऑडिट ऑप्शन का मतलब यह है कि ये फ्री कोर्सेज हैं, लेट सपोज के इट्स अ 4-6 week का कोर्स है, आपने जब उस कोर्स की डिटेल पढ़ी और आपको लगा कि ये जो पहले 2 week के वाले कॉन्सेप्ट है ये मुझे समझ में आते हैं, मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो, यू स्टार्ट दैट कोर्स फ्रॉम द थर्ड वीक ऑनवर्ड आप उनके साथ कर लेते हो. लेकिन दीज कोर्स आर फॉर योर लर्निंग ओनली, इसमें सर्टिफिकेट नहीं देते और क्योंकि ये फ्री होते हैं. लेकिन अगर आप उनके साथ एक कोर्स कंप्लीट करते हो और उनकी थोड़ी सी पेमेंट भी होती है तो फिर वो आपको स्कैन में सर्टिफिकेट भी देते हैं. सो एडेक्स आल्सो ऑफर्स एक्ससीडी सर्टिफिकेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ बंडल्ड सेट ऑफ 2-7 वेरीफाइड कोर्सेज इन अ सिंगल सब्जेक्ट. अब उसमें ये भी हो सकता है कि अगर एक कोई सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको लगता है कि ये 3-5 कोर्सेज हैं विच आर रेलिवेंट टू सम स्पेशलाइजेशन या किसी के, तो वो फिर आपको उसको वो बंडल सेट कहते हैं और उसमें फिर उसको आपको कंसेशन देते हैं इसकी पेमेंट के अंदर. तो दीज आर द ऑफरिंग्स एंड दिस इज द लिंक यूआरएल फॉर द एडेक्स के, अगर आपको इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली गो टू द एडेक्स, अदरवाइज आई शो यू हाउ यू कैन सर्च डिफरेंट थिंग टू द फ्रॉम द एडेक्स. अच्छा, अब हम हमारे ये सिंपल, आपको पता है ये गूगल सर्च जो हम हमेशा हर चीज के लिए करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर edX लिखते हैं तो edX क्लिक करके हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, और उसमें सबसे पहले क्लिक करें तो दिस इज edX मेन पेज और द वेबसाइट, और इसमें आप ये इसका मेन पेज है, और इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले जो टॉप राइट के ऊपर एक ऑप्शन है साइन इन और रजिस्टर. सो
अगर आप नए हैं, यू आर न्यू यूजर, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रजिस्टर फॉर फ्री. आप अपना एक ईमेल के साथ रजिस्टर कर लेते हैं. सो बाय रजिस्टरिंग बेनिफिट क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू साइन इन, तो जो उनके रजिस्टर्ड जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये एक तो ये कि दे कीप देम अपडेटेड व्हेन एवर दे ऑफर अ न्यू कोर्स, दे सेंड यू एन ईमेल अबाउट दैट. एंड ऑल्सो उनको ऑफर्स भी देते हैं, कोई कंसेशंस दे देते हैं कि जो इनके रजिस्टर्ड है. जब भी फिर नेक्स्ट टाइम जब आप एक दफा रजिस्टर कर लेते हैं, फिर इसके बाद जब करते तो आप साइन इन करके उसमें एज अ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट आप उनके रजिस्टर्ड यूजर साइन इन हो जाते हैं. सो हाउ यू सर, दिस इज द मेन पेज. पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसके अंदर उन्होंने ये सारे कोर्सेज और उसके इस तरह से बताया हुआ, फिर इसकी मैं डिटेल भी बताती हूँ कि क्या है. सो अब फ्रॉम हेयर यू लुक एट द कोर्सेज. So this is the link from where you can find the course relevant to you. अपने उससे related आपको जो भी आपके area से आपके subject से related course है यहाँ से आप search कर सकते हैं. ये courses जो हैं ये subject wise list किए हैं उन्होंने. जैसे यही subject होते हैं ना usually, biology, architecture, chemistry, communication, computer science, data analysis, economics, education, electronics, engineering, food and nutrition, health and safety. So these are all the courses which are listed here subject wise. So jab aap isko ek ko click karenge to aapko wo sare courses open ho jayenge jo is ek particular subject mein offer kar rahe hain. Then second link hai uska programs and degrees, jo koi other programs jo hain aur degrees offer kar rahe hain, jaise micro bachelor program hai, micro masters program hai, professional certificate hai, is tarah ki cheeze yahan se aap direct jo hai wo kar sakte hain. फिर इनके ये पार्टनर, यहाँ से क्लिक करेंगे तो इनके जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे. और वो ये वाले हैं, ये दीज आर देयर पार्टनर इंस्टीट्यूशंस. MIT और हार्वर्ड तो ये है ही है, ये खुद भी ऑफर करते हैं, मतलब इन्हीं की है. फिर बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, बॉस्टन, और ये अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड जो है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कर्टेन यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं ये कोर्सेज ऑफर करती हैं. और ये आपको व्हेन यू डू अ कोर्स तो आपको एडेक्स का सर्टिफिकेट ही मिलेगा, आपको डेफिनेटली यू गॉट द सर्टिफिकेट कि भाई आपने इस यूनिवर्सिटी का कोर्स जो है वो किया. तो ये यूनिवर्सिटीज जो है ये कोर्सेज इनके अंदर करती हैं. आप उसके अंदर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इसके वी सी के इनके कोर्सेज है क्या. सो दे हेयर द कोर्सेज दे आर लिस्टेड सब्जेक्ट वाइज, और किसी भी अकॉर्डिंग टू द चॉइस, हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस जो भी हमारा जिसमें हम हमारा स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर करना चाहते हैं. लेट्स सपोज हम कुछ साइंस में करना चाह रहे हैं, सिंपल जनरल साइंस, और उसके कितने कोर्सेज हैं. सो ऑल साइंस कोर्सेज की जब हम क्लिक करेंगे तो साइंस से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट कोर्सेज हैं वो यहाँ पर अपियर हो जाएंगे. आप ये देखें कि एक तो ये हैं, और उसके बाद फिर ये उनके जो कोर्सेज हैं यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज की लिस्ट बताई हुई है कि मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं. फिर उसके बाद ऑल साइंस कोर्सेज जितने भी हैं ये देखें, इनकी पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस और व्हाटसो एवर. सो दिस इज ऑल कोर्सेज जो लिस्ट है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, यू कैन स्क्रोल इट डाउन और यू सी के भाई आप कौन से कोर्स के लिए यू आर लुकिंग फॉर व्हाट कोर्स, और कौन सा आपको इंटरेस्ट करेगा या किस तरह से होगा. अब आप फिर प्लस ये है कि फॉर इंस्टेंस फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरो साइंस पार्ट वन, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ हुआ यही इस कोर्स को हम क्लिक करके देखते हैं. ये एक कोर्स का लिंक है, तो ये इस तरह से अपियर हो जाता है. सो दिस इज एक्चुअली द नाउ द वेबसाइट ऑफ द कोर्स. अब जब ये कोर्स आपने क्लिक किया तो सबसे पहले तो वो आपको ये उसका टाइटल है, और इसके बाद ये बता रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रही है, और फिर ये बता रहे हैं कि ये कब स्टार्ट हो रहा है और कब आप उसके अंदर हो जाए. एक ये वीडियो है, इस वीडियो लिंक से एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूरो साइंस है वो क्या चीज है, और उस कोर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बता रहे हैं. इसके बाद अबाउट दिस कोर्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. किसी भी कोर्स को जब आपने फॉर इंस्टेंस यू आर सर्चिंग और आपको लगा कि अच्छा ये कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ,
बेशक वो फ्री भी है या कुछ भी है, लेकिन विदाउट रीडिंग द डिटेल ऑफ कोर्स, सिर्फ उसके टाइटल पढ़ के आप उसके अंदर एनरोल मत करो. मे बी एट लेटर आपको लगे कि ओहो ये तो वो नहीं था जो मैं करना चाह रहा था या चाह रही थी. सो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ अबाउट दिस कोर्स, ये डिटेल बताई हुई कि इस कोर्स में क्या होगा, और ये एक यहाँ तक बता के फिर इसके बाद इफ यू वॉन्ट टू रीड मोर तो क्लिक हेयर, तो ये पूरी डिटेल आ जाती है व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट. देन यू व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो व्हाट यू लर्न, तो आफ्टर डूइंग दैट कोर्स व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न आउट ऑफ दिस, यानी हम क्या सीख लेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, द प्रॉपर्टीज ऑफ पैसिव मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल्स, और ये सारी चीजें हम सीख लेंगे. फिर उन्होंने नीचे एक पूरा सिलेबस दिया हुआ इस कोर्स का कि व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, और उसको उन्होंने देखें लेसन वन लेसन टू और ये सारी डिटेल दी हुई है कि कितने लेसन इस कोर्स के अंदर जो है वो होंगे. ठीक है, एंड देन दिस इज अ इंस्ट्रक्टर हु इज ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स. जनरली दिस कोर्स इज फ्री और ये राइट साइड पे इसकी ये डिटेल है. 5 वीक का कोर्स है, एफर्ट आपको कितना टाइम स्पेंड करना है पर वीक, 3 to 5 hours पर वीक आप अस टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका ये कोर्स के सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने में फ्री है. लेकिन इफ यू रियली वांट टू हैव अ सर्टिफिकेट फॉर दिस कोर्स तो आपको यू हैव टू पे $169 आप पे करेंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज है और इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स है, लैंग्वेज इंग्लिश है. सो दिस इज सेल्फ बेस्ड ऑन योर टाइम है. So all the details they have been given on this particular page for you. I would advise if you want to select or do some course, so you please read them in detail first. यहाँ इस पूरी कुछ को पढ़े, then you decide कि अच्छा this is a very interesting course. Maybe you find तो आपको लगे कि अच्छा ये free भी है और interesting भी है, तो why shouldn't I do this course from here? So this is the detail of the courses which are being, or har course ka, every course jo bhi aap koi bhi apne interest ke accordingly karna chahte hain. Phir unhone ye bhi de diya hai ki jo zyada popular courses hain, the people usually do those courses, jaise introduction to computer sciences and programming, computational thinking, fundamentals of neuroscience, statistics and data science. So is tarah ke unhone kaha ki ye zara zyada popular, log zyada inko wo karte hain. तो यहाँ इस तरह से आप इनके जो कोर्स जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका कर सकते हैं. अब बात यह है कि व्हाट विल बी द बेनिफिट टू यू एज अ टीचर, आपको क्या फायदा होगा इन कोर्स करने का, आपको क्या लगता है? एक तो एक्सपर्टीज हो जाएगी मैम. जी जी मैम, मैंने ट्राई किया थे कोर्स एक ना, इंटरनेशनल लेवल की लर्निंग होती है, आप मतलब इंटरनेशनल लेवल की सारी जो है बिल्कुल नॉलेज अपना अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बुक्स में तो इतना ओल्ड नॉलेज होता है और जब मैंने अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट से पढ़ा तो जो बिल्कुल मॉडर्न रिसर्चेज होती है वो उसमें एडेड थी, तो आप अपना नॉलेज बड़े इजीली अपडेट कर सकते हैं. बिल्कुल सही, गुड. सो देखिए ये कोर्सेज मेरे लिहाज से दे कुड बी द मोर थिंग्स एज वेल, मतलब अगर आपको मैं अभी इस सेशन के अंदर ये बता दूं फोकस करने के लिए, और आप अगर आप करेंगे तो आपको इससे अदर बेनिफिट. दिस इज नॉट नंबर वन, क्या है कि इट विल गिव यू द एक्सपर्टीज, द स्किल्स, आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगा, आपकी एक्सपर्टीज को इन्हांस करेगा, और आप क्या होगा कि अल्टीमेटली आप अपने CV में, आपके प्रोफाइल में आप इसको लिखेंगे कि यू डिड दीज कोर्सेज एडिशनली ऑनलाइन, और उसके अंदर वो जाहिर है कोर्सेज जिस जिस यूनिवर्सिटी से होंगे, सो दैट इज गोइंग टू एड इन टू योर प्रोफाइल. स्किल्स भी हो गई, प्रोफाइल भी एनहांस हो गया. नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एज नाउ अब हमें ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट करना है, तो नाउ वी केम टू नो कि हमने ऑनलाइन क्लास कोर्सेज कैसे ऑफर करने हैं, हमें उसकी ऑफरिंग समझ में आ जाएगी कि असेसमेंट कैसे करनी है, टीचिंग मटीरियल कैसे देना है, और वीडियोज कैसे उसके साथ ऐड करनी है, एंड प्लस जो कोर्स आप करेंगे रेलिवेंट योर सब्जेक्ट, वो जितनी भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो रीडिंग मटेरियल है, चाहे वो ई बुक्स है, चाहे वो वीडियोस है, अब वो आपका रिसोर्स बन गए, आपके पास सेव हो गए, आपका रिसोर्स बन गए, आप उनको अपनी टीचिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं बाय गिविंग देम टू योर ओन स्टूडेंट्स. सो दिस इज आई फाउंड कि ये एक बड़ा ही इन कोर्सेज के साथ, इन एजुकेशनल वेबसाइट के साथ एक बड़ा एक बेनिफिट है जो हमें हो सकता है. मे बी व्हेन यू डू दिस कोर्स तो आपको इससे भी ज्यादा बेनिफिट जो है वो समझ में आ रहे हो,
और आपको लगे कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा फायदे की चीज है या व्हाटसोएवर. सो दिस वाज अबाउट द एडेक्स. सो सिमिलरली द सेकंड एजुकेशनल वेबसाइट इज द कोर्सेरा. दे आर मोर लेस सिमिलर, मतलब नॉट वेरी मच डिफरेंट बट फ्यू फीचर्स डेफिनेटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एडेक्स. सो द कोर्सेरा इज अगेन अ वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फाउंडेड इन 2012 by Stanford computer science professor Andrew Ng and Daphne Kohler that offer massive open online courses, specializations and the degrees. Ab again unka jo offering hai wo MOOCs par hi hai, massive open online courses similar to the edX, lekin isko kaun offer kar raha hai, kisne banaya hai ke jo Stanford computer science jo hai uska department hai uske do professor the unhone isko they have developed this particular प्लेटफॉर्म और द वेबसाइट और उसके बाद ये फिर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. कोर्सेज लास्ट अप्रोक्सीमेटली 4 to 10 वीक्स विद 1 to 2 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स. अब देखें 4 to 10 वीक शॉर्ट कोर्सेज है लेकिन उन्होंने मेक श्योर ये किया हुआ है कि एवरी वीक में व्हाट यू आर स्टडिंग उसके साथ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं आप. दीज कोर्सेज प्रोवाइड क्विजेस, वीकली एक्सरसाइजेस, peer graded assignments and optional honors assignment and sometimes a final project or exam. So as alongside the all providing all the material wo aapko as far as the assessment is concerned, so they provide you quiz, weekly exercises aur ye sari peer graded assignments ye sari hoti hain so that they came to know ki acha aap usko kis tarah kitna learn jo hai wo kar rahe hain. Courses are also provided on demand in which case users can take their time in completing the course with all of the material available at once. Ab ek inki ye additional benefit hai ke agar aap ye for instance it's a 8 week ya 6 week course hai, aapko lagta hai ki mere paas abhi time hai, main thoda sa free hu apni teaching mein ya kis mein, to main ek week mein zyada kaam kar sakta hu rather than 4 5 ya 6 ghante main zyada time de sakti hu ya de sakta hu. तो आप उनको क्या कहते हो कि rather than they give you the material week wise, one week, two week, एक एक week गुजरेगा तो देंगे, you demand them कि आप सारे का सारा material मुझे at once भेज दें. और उसके बाद जब वो आपको भेज देते हैं तो then you can complete before time as well. This is again the one of the additional benefit. If it is a 6 week course, so you can complete it in a 4 week as well. कि बाय डूइंग ऑल द असाइनमेंट्स, सारी जितनी भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप टाइमली अगर करके ज्यादा टाइम लगा के तो आपने इसको 4 वीक में कंप्लीट कर लिया एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट एट टाइम. इसको कहते हैं ऑन डिमांड. सो इन मई 2015 कोर्सेरा ऑफर्ड 104 ऑन डिमांड कोर्सेज, उन्होंने इतने ज्यादा ऑफर किए. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेड प्रोजेक्ट विच आर शॉर्ट 2-3 आवर्स प्रोजेक्ट दैट कैन बी डन एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. अब देखिये ये एक इनका अगेन डिफरेंट फ्रॉम द एडेक्स है कि गाइडेड प्रोजेक्ट होते हैं. 2-3 आवर्स का एक प्रोजेक्ट है, एक टास्क है, मतलब प्रोजेक्ट मीन्स की कोई टास्क है जो कम्प्लीट करनी है और वो गाइडेड इसलिए कहते हैं कि समबडी इज देयर टू हेल्प यू. 2-3 घंटे के लिए आप ऑनलाइन हो जाते हैं और उसके बाद वहां पर वो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको हेल्प कर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप और बता रहा होता है या उसकी सारे वैसे स्टेप्स जो है उसके अंदर दिए हुए होते हैं. तो उस ये एक एडिशनल उसका है. तो बहुत सारी स्किल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगे कि अच्छा जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छा है फॉर द कैलकुलेशन एंड द फॉर्मूला एप्लीकेशन, लेकिन मुझे उसके अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना आता या कुछ और कोई ग्राफ नहीं बनाना था कुछ होता है, तो दे विल ऑफर यू. 2-3 घंटों में उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको वो चीज जो है समझ में आ जाएगी. So in 2017, Coursera offers full master's degrees. ये उससे इन्होंने पूरी rather than offering a short courses, ये पूरी master's degrees भी इन्होंने offer की. And they first started with master's in innovation and entrepreneurship from HEC Paris and master's of accounting from University of Illinois, but have moved on to offer master's computer science and data science, master's of business administration, both from University of Illinois. So as a part of MBA, there are some courses are offered separately and will be included in the curriculum of MBA when being enrolled in like digital marketing courses. So उन्होंने क्या किया कि master's degrees जो थी उसको भी offer की और किस किस तरह से evolve हुए, this is what it is saying. और अब course offering again like the edX,
so they are for again offer in the different languages similar ke, because they are the online courses and nature is MOOCs to phir uske baad bahut sari different languages mein inko jo hai offer karte hain. ये इनका यू आर एल है Coursera का. अगेन आई शो यू. सो माई स्क्रीन शेयर हो गई आपसे Coursera? जी हो गई. अब इसी तरह से सिमिलरली वी राइट द Coursera इन द गूगल एंड देन वी गो दिस इज द वेबसाइट फॉर द Coursera. वी क्लिक टू द फर्स्ट लिंक एंड दिस इज द मेन पेज ऑफ Coursera. अगेन सिमिलर टू द edX, बहुत सारे फीचर सिमिलर है. इस तरह से जैसे राइट पे ज्वाइन फॉर फ्री देन लॉग इन फॉर स्टूडेंट्स फॉर एंटरप्राइज, मतलब किसी भी कैपेसिटी में आप इनके साथ लॉग इन कर सकते हैं और बाकी मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे तो यू गॉट मेनी थिंग. सो दिस इज देयर मेन पेज और उस मेन पेज में उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी ये लर्नर्स के व्यूज हैं वो दिए हुए हैं. वर्ल्ड क्लास लर्निंग है, द वन हु हैज डिड द कोर्सेज फ्रॉम हेयर वो अपने व्यूज बता रहे हैं और ये सारी चीजें जो है वो बताई हुई हैं उन्होंने लोगों के जिन्होंने किए हैं. अब इसमें हाउ वी कैन फाइंड द कोर्स फ्रॉम हेयर, दिस इज फ्रॉम एक्सप्लोर. जो ये लेफ्ट साइड पे जो एक लिंक है एक्सप्लोर, यहाँ से हम अपने कोर्सेज जो है फाइंड कर सकते हैं के टू विच वी आर इंटरेस्टेड. अगेन इसमें भी जो सब्जेक्ट वाइज दे हैव लिस्टेड द कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा साइंस बिजनेस. सो वेन वी क्लिक टू दैट तो इसकी राइट साइड पे आप ये देखें. सो राइट साइड पे इसमें आप ये देखें कि एक और जो चीज इनकी डिफरेंट है अदर देन द edX के, चूंकि बिकॉज दे ऑफर द डिग्री प्रोग्राम्स, तो आप ये देखें कि इनकी जो डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं उस रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर वो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम डिग्रीज वो भी अपियर होगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू सम डिग्रीज इन सम सब्जेक्ट एरिया, सो यू कैन सर्च फ्रॉम हियर. जैसे कंप्यूटर साइंस है तो आप कंप्यूटर साइंस में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रही है. इसी तरह से यूनिवर्सिटी डी लॉस एंडस जो है वो ये डिफरेंट लैंग्वेज में है वो उसको उसकी डिग्री प्रोवाइड कर रही है. फिर दीज आर द कोर्सेस जो कंप्यूटर में या किसी के अंदर ये सारे जावा CSS और वेल मतलब बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज नॉट माई एरिया एज सच एज अ सब्जेक्ट, तो जितने भी कोर्सेज हैं वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. अब जैसे मैंने कहा ब्राउज ऑल सब्जेक्ट्स, सो इफ वी क्लिक टू ऑल सब्जेक्ट्स, सो हियर इज इट इज. सो सब्जेक्ट वाइज हमारे पास लिंक जो है इस तरह से अपीयर हो सकते हैं, वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन हम अगर सारे सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो हम उसको क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से सब्जेक्ट वाइज अपीयर हो जाते हैं. ये एक एक लिंक एक एक सब्जेक्ट का है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस, मैथ एंड लॉजिक, हेल्थ. सो दीज आर ऑल द सब्जेक्ट लिंक्स लाइक दिस मेनी. एंड देन इफ यू स्क्रॉल डाउन तो देन दे हैव ऑल्सो लिस्टेड द डिग्रीज विच आर दे ऑफरिंग. Earn your degree, Master of Business Administration, Master of Computer Science, Master of Science in Accountancy, और फिर more degrees. So there are listed here, और they are saying कि they are 100% online. You don't have to go there. आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं आप online कर सकते हैं. फिर उन्होंने एक और link दिया हुआ है Popular beginner programs for new careers. अब ये if you have completed your degree, but you have started some job और आपको still you need some skills, more skills, तो उसके लिए भी उन्होंने ये courses जो है वो दिए हुए हैं. जैसे IT support है, Google project management है, Google UX design है, Google data. आजकल तो ये सारा कुछ बहुत ही इन जा रहा है. तो ये इस तरह से उन्होंने बताई हुई है. और फिर ये सारी पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्सेज बताए हुए हैं कौन से हैं. रिसेंटली लॉन्च गाइड. अब देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके एक एडिशनल बेनिफिट ये क्या है कि दे आल्सो ऑफर द गाइडेड प्रोजेक्ट एज वेल. अब वो गाइडेड प्रोजेक्ट की ये लिस्ट बताई हुई है, रिसेंटली लॉन्च्ड गाइडेड प्रोजेक्ट. अब वो गाइडेड प्रोजेक्ट डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में होंगे. सो दीज आर द जनरल कोर्स जनरल गाइडेड. अब देखिए अब वो जो प्रोजेक्ट क्या है 2-3 आवर्स का जिसकी बात की थी, फॉर इंस्टेंस
analyze sales data with LibreOffice based queries. दो तीन घंटों में आपको स्किल सिखा देंगे. इसी तरह से लिनक्स आपको पता है एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसेस एंड सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी वो लिनक्स की आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं. क्रिएट इमेजेस, डिजिटल एम्प्लॉई फीडबैक, और ये छोटे छोटे स्किल्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने एक गाइडेड प्रोजेक्ट जो है इंटरेक्टिव जियो स्पेशल विजुअलाइजेशन वर्किंग विद AWS, ये जो जितने भी कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड है, अप्लाई एडवांस टेस्टिंग है, JavaScript है, मतलब उस वो कोर्सेज जिनके अंदर थोड़ी सी स्किल्स और वो इन्वॉल्व होती हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने ये गाइडेड प्रोजेक्ट जो है वो दिए हैं, और आप उनके साथ करें तो आपको वो स्किल जो है क्विकली जो है वो अवेलेबल हो सकती है. फिर ये फ्री कोर्सेज है, उन्होंने लिस्ट किए हैं, ये पॉपुलर कोर्सेज हैं, उनके टॉप रेटेड कोर्सेज हैं, क्योंकि दे मैंने आपसे कहा था कि ये रिसर्च भी करते रहते हैं, तो फिर उस रिसर्च में ये फिर उनके एट द रिजल्ट जो टॉप रेट होते हैं कोर्सेज, उनको भी उन्होंने लिस्ट किया हुआ है. और सो दिस इज ऑल व्हेन यू आफ्टर दिस सेशन इन द इवनिंग, आई थिंक व्हेन यू विल बी फ्री, तो प्लीज डू एक्सप्लोर ऑल दीज वेबसाइट्स. दिस विल बी रियली वेरी यूजफुल and it needs a lot of time agar hum yahan par karna shuru kar denge, but of course you are not doing going to do each and everything one time only, matlab abhi foran sab kuch nahi kar lenge, aap usko aista aista jab bhi aapko time mile aap usko apne taur pe search karte rahe. ab jaise dekhen free courses hai ye wale, learning how to learn powerful mental tools to help you master science of well being, machine learning, फिर इसके बाद है COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, कैरियर सक्सेस. सो ये इस तरह के ये फ्री कोर्सेज उन्होंने बताए हुए हैं कि जब आप दैट विल गिव यू स्किल्स. और इसी तरह से टॉप रेटेड कोर्सेज भी यही हैं उनके, कुछ चाइनीज के भी हैं और इस तरह से. सो यू कैन सर्च सब्जेक्ट वाइज, अब अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम सब्जेक्ट तो आप उस सब्जेक्ट को क्लिक कर लें. फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं अच्छा जी योर एरिया इज बिजनेस, तो बिजनेस को क्लिक करें तो आपको सारे बिजनेस से रिलेटेड जो है ये बिजनेस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आ जाते हैं. बिजनेस की डिग्रीज आ गई, मार्केटिंग है, और ये सारे मोस्ट पॉपुलर मार्केटिंग के कोर्सेज आ गए सारे. और सो ऑल कोर्सेज रिलेटेड टू द बिजनेस जो है, चाहे वो मार्केटिंग से है, चाहे फाइनेंस से है, या जिससे भी हैं, तो दीज आर लिस्टेड हेयर. आप अपने उसमें सेलेक्ट कर लें और यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन. ये डिग्रीज हैं. सो अगर आप इफ़ यू आर हेयर इन पाकिस्तान और आपका दिल चाह रहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, या आपके कोई अपने जो यंग वंस हैं दो हु वांट टू परस्यू सम डिग्री, तो वाइल स्टेइंग एट होम आप ये बहुत सारी डिग्रीज जो है वो कर सकते हैं इनके साथ. तो हम ये देख लेते हैं कोई इनके जो कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, इनमें से हम किसी में भी, ये उन्होंने जो लर्नर्स हैं उनके व्यूज भी बताए हुए हैं कि दोज हु डिड द कोर्सेज विद देम, तो वो उनको ये बताते हैं कि हमने व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस, उनका कैसा रहा और कोर्स थे वो किस तरह के थे. तो अब किसी भी सब्जेक्ट में आप यू कैन गो और यू कैन सर्च. हम कोई भी इनके जो फ्री कोर्सेज हैं एक्सप्लोर, फॉर एग्जाम्पल हम अगर हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं तो हेल्थ में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सो दिस इज द कोर्स विच इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. अब ये सारे ऑल द कोर्सेज आजकल एवरीबॉडी इज कॉन्शियस फॉर देयर वेट और एक्सरसाइजेज और वो सारा, तो अगर हम अपने लिए भी करना चाहते हैं तो दे हैव number of courses related to the nutrition, health, or so all the courses. For example, if we go here, I'm really interested in food and health. So food and health mein ye aap ye dekhe ke this is the course, Stanford Introduction to the Food and Health. Again similar to the edX, about this course, ये कोर्स के बारे में डिटेल है कि इस कोर्स के अंदर क्या है, और फिर स्किल्स यू विल गेन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी, फूड साइंस,
ये आपके पास इसकी स्किल्स होंगी। ये इंस्ट्रक्टर है माया एडम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करी। और इसके अंदर फिर ये उस कोर्स की डिटेल है एंड देन ये राइट साइड के ऊपर अगेन सिमिलर टू द एडेक्स कोर्स की डिटेल है कि किस तरह का होगा ये सर्टिफिकेट होगा। 100% ऑनलाइन है, फ्लेक्सिबल डेडलाइंस है, बिगिनर लेवल है, 7 hours टू कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में है और दिस इज द डिटेल। एंड देन आप ये देखें कि दोज हु डिड दिस कोर्स ये उनके व्यूज भी बताए हैं इसके अंदर कि वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि और फिर इसी से रिलेटेड फर्दर इफ यू गो डाउन तो उन्होंने और जो सिमिलर कोर्सेज हैं उनके लिंक जो है वो बताए हैं। सो आप ये सारा उसका देखें उस कोर्स का पूरा वीक वाइज सिलेबस बताया हुआ है। वीक वन 1 hour टू कम्प्लीट बैकग्राउंड टू द फूड न्यूट्रिशन, फिर वीक टू और फिर आप ये देखें कि उसके साथ ये है 6 videos। वीक वन के अंदर जो है वो उन्होंने जब अपना ये बताया हुआ कि बैकग्राउंड ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रेंट्स तो उसके इससे रिलेटेड उन्होंने कहा कि 6 videos हैं और इफ़ यू आर डूइंग द कोर्स तो फिर वो 6 videos विल बी विजिबल टू यू और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और साथ में ये उनकी डिटेल जो है वो बताई हुई है उन्होंने। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज रेटेड बाय द पीपल, जैसे हम कहते हैं रिव्यूज हम देख लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कोर्सेस विद द कोर्सेरा। सो आई थिंक इट इज क्लियर, कोई एनी क्वेश्चन विच यू हैव? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम, एक्चुअली ये जो डिग्री वाले प्रोग्राम्स हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं कि वो कर लें तो क्या HSC से रिकॉग्नाइज होंगे या मतलब जॉब के लिए उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मतलब अथेंटिसिटी है इनकी डिग्री अवार्डिंग जो है प्रोग्राम्स? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है आपकी बात। देखें जो डिग्रीज है ना ये आपने देखा है कि ये कोई कोई प्राइवेट या कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये बाकायदा ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज हैं जो डिग्रीज ऑफर कर रही। तो उसमें मेरा तो नहीं ख्याल है कि ये जो डिग्रीज जब एक देखिए ना ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। अब हार्वर्ड इज अ नंबर वन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अब जब नंबर वन यूनिवर्सिटी की एक डिग्री आप कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए किसी को HGC को या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इसके लिए इसको एक्सेप्ट करने में। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है HGC का, आपको पता है ना कि जब हम फॉरन से डिग्री करके आते हैं तो HGC कहते हैं कि आप उसकी इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई कर दें, तो हम उसकी एक्विवेलेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। HGC सिर्फ ये कंफर्म कर लेता है कि हमने जो क्लेम करें हमारे पास ये जो सर्टिफिकेट है डिग्री का या जो भी कुछ है तो उसके उसके लिए जो है वो ऑथेंटिक है और हम उसको जो है वो उसको वेरीफाई कर देते हैं। सो दैट विल बी इक्वली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है इसके अंदर, क्योंकि देखिए आपने यू हैव स्पेंड द मनी, आपने इसके ऊपर पैसा खर्चा और ये कैसे हो सकता है कि वो आप उसे यूजफुल नहीं होगी। तो ये बात ठीक हो गया। सेकेंडली मैम एक ये भी बात करनी थी कि यहाँ मैंने कोर्सेरा में चेक किया तो वहाँ पे एज अ ट्यूटर भी आप अपने आप ऑफर कर सकते हैं एज अ टीचर, मतलब अगर आप इतने कैपेबल हैं उर्दू आपकी है और आप मतलब उर्दू का कोई कोर्स ऑफर नहीं था ना कोर्सेरा में ना एडेक्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस के थे, तो मेरा दिल किया कि हमारे पाकिस्तान से तो कोई भी कोर्स ऑफर नहीं था, मतलब जितने भी मैं देखती थी ना टीचर्स तो पाकिस्तान से नहीं थे लोग ना, तो ये एक दुख की बात है कि हमारे लोगों को ना ये इंट्रोडक्शन भी देना चाहिए कि आप एज अ कोर्स ऑफरर भी हो सकते हैं अगर आप इतनी आपके पास स्किल्स हैं। बिल्कुल सही है, दैट्स वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट कि यू शेयर दिस विद अस और बड़ी अच्छी बात है। तो इसी तरह से होता है, देखें आपका एक्सपोजर होगा तो आपको ये बातें पता चलेंगी ना, इफ यू नो तो फिर आपको पता चलेगा ना कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट वॉज अबाउट द कोर्स। थर्ड इज द खान अकेडमी। खान अकेडमी इज अगेन I appreciate the efforts of the Khan Academy. बहुत ही एक बड़ा big resource है, immense resource है of all the teaching learning material, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो Khan Academy is different than the Coursera and the edX because के it is not offering the courses like कोर्सेरा और एडेक्स की तरह से ये स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअली दिस खान अकेडमी इज एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 2008 बाय सलमान खान।
with the goal of creating a set of online tools that help educate students. So it was basically not for the purpose of कोई बिजनेस या उसके लिए नहीं था. इसने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2008 में एस्टैब्लिश हुई बाय सलमान खान हु बिलोंग टू बांग्लादेश मुस्लिम और उसने इसको स्टूडेंट की हेल्प के लिए इस कीपिंग इन व्यू के इट विल गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट उसके लिए स्टार्ट किया था. द ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस शॉर्ट लेसन्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन 2008 व्हेन सलमान खान ट्यूटर्ड वन ऑफ हिज कजन्स in mathematics on the internet using a service called Yahoo Doodle Images. So how this idea has been started? It was started because Salman Khan is based in America and his specialization is mathematics. So iske jo koi cousin who was living in Bangladesh, he needs some kind of tuition in mathematics. तो उन्होंने वहां पर जो थी उसको ऑनलाइन ये जो Yahoo Doodle Images है उसको यूटिलाइज करके ऑनलाइन उसको ट्यूटरिंग प्रोवाइड की. अब ये बड़ा सक्सेसफुल था ये सारा उसके कजन ने बहुत ज्यादा बेनिफिट किया. तो फिर जो आफ्टरवर्ड्स अदर जो कजन्स थे दे आल्सो यूजिंग दिस सर्विसेज विद खान. देन ड्यू टू द डिमांड खान डिसाइडेड टू मेक हिज वीडियोस वॉचेबल ऑन द इंटरनेट सो ही पब्लिश्ड हिज कंटेंट ऑन यूट्यूब. अब हुआ ये कि व्हेन इट बिकम पॉपुलर सो ही थॉट के रादर देन कि ही जस्ट restricted only to the few people. तो उसने क्या किया कि अपनी वो जो टीचिंग क्योंकि याहू डूडल जो है ये बेसिकली आपको पता है इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जो ब्लैक बोर्ड होता है ना व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं ये उसकी फॉर्म होती है कि somebody ऐसे लेक्चर ऑनलाइन हो रहा होता है लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी भी इसमें कि जैसे somebody is writing on the blackboard जैसे हम टीचिंग में लिख रहे होते हैं. तो उसको ही फाउंड इट यूजफुल. तो उसने क्या किया कि while he was giving the tuition उसने उसकी वीडियोस जो है वो बनाई. अब हर ट्यूशन की हर उसके सेक्शन की उसने जो बहुत सारी बेशुमार वीडियोस बना के उसको क्या किया फ्री पब्लिश कर दिया यूट्यूब पे सो दैट के द अदर पीपल दे कुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. यानी आपको पता यूट्यूब तो फ्री है ना कोई भी एक्सेस कर सकता है. तो ये देखें ये इनका एक बड़ा ही कमेंडेबल एफर्ट है कि उन्होंने इस रियलाइजेशन से कि ये एजुकेशन है और इसकी शेयरिंग जो है वो बड़े लेवल पे होनी चाहिए तो उन्होंने इसको यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियोस जो थी वो डाल दी. द वीडियो ट्यूटोरियल्स वर रिकॉर्डेड ऑन हिज कंप्यूटर और खान्स एकेडमी वेबसाइट एम्स टू प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड अब इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस. अब इसमें हुआ क्या कि लेटर जो थी व्हेन ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ वीडियोस तो फिर उसने डिसाइड किया कि हम एक पूरी वेबसाइट अपनी बना लेता हूँ. तो अब वेबसाइट भी बनाई प्लस he has also include and invite other people to become a group with him aur uske sath wo other subjects ko bhi isne unhone include kiya lekin definitely usne aise logo ko apne sath group kiya jo isi cause jo philanthropy ki cause ke sath jo the wo chal rahe the yani logo ko free provide karna aur teaching aur material jo hai wo reading material provide karna. तो फिर इस मैथ से करते करते सब्जेक्ट जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गए अदर भी इंक्लूड कर लिए. एंड ऑल्सो जब वेबसाइट जो थी जब वो बना ली तो उसके बाद उसको ये फायदा हो गया कि द वेबसाइट इज मेंट टू बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट टू इट्स वीडियोस बिकॉज इट इंक्लूड्स अदर फीचर्स सच एज प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एंड टीचिंग टूल्स. अब ये चीजें वो सिर्फ खाली वीडियो में नहीं कर सकते थे तो उन्होंने इसको जब वेबसाइट बनाई तो वो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस और वो चीजें भी उसके अंदर ऐड कर दी तो दैट इट बिकम्स अ गुड रिसोर्स. द मटेरियल कैन आल्सो बी एसेस्ड थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी थ्रू आप कर सकते हैं. वीडियोस द वीडियोस डिस्प्ले अ रिकॉर्डिंग ऑफ द ड्राइंग्स ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड विच आर सिमिलर टू द स्टाइल ऑफ अ टीचर गिविंग अ लेक्चर. ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि वीडियो इसी तरह ही है जैसे टीचर इज टीचिंग ऑन द बोर्ड. द नरेटर डिस्क्राइब्स ईच ड्राइंग and how they relate to the material being taught. Non-profit groups have distributed offline versions of the videos to the rural areas in Asia, Latin America and Africa. Aap dekhiye again this is a commendable effort in a sense ke jo to the website bhi bana li iske baad YouTube par bhi de diya to ye to wo modes hai na ki when you are connected to the internet lekin if ye soch ke ke for those area those who have still the connectivity problems unke sath issues hain ya nahi kar sakte hain so they have
saved all that material on the CD, और उसके बाद उन CDs को एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के एरियाज में प्रोवाइड कर दिया ऑफलाइन मोड में देखने के लिए. सो दिस इज अगेन वेरी थॉटफुल ऑफ देम कि उन्होंने ये अरेंज किया कि बिकॉज के जो उनका जो जो ऑब्जेक्टिव था, उनका गोल था, किस तरह से उन्होंने इन चीजों को जो लोगों के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना है. Videos range from all subjects covered in school and for all grades from kindergarten up to the high school and the college and all that. Khan Academy videos have been translated into several languages with close to 20,000 subtitles translations available. Again, because they are offering for the different, all parts of the, all people of the different parts of the world. So the videos, they have subtitles. और फिर ये लैंग्वेजेस भी उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें ऑफर किया, इंग्लिश, बंगला, बल्गेरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस थी और एंड पार्शियली अवेलेबल इन 28 अदर लैंग्वेजेस में, अगर पूरा मटेरियल नहीं तो कुछ अवेलेबल जो है वो है. सो दिस वाज द खान अकेडमी और ये उनकी अगेन URL है की वेबसाइट का. सो अगेन आई शो हाउ यू कैन गेट एक्सेस टू द खान अकेडमी रिसोर्सेज. So when we write Khan Academy here, sorry. So again, click to the first link. So this is the Khan Academy. Acha, ab ek baat, what I want to share with you is that when you go to the Khan Academy as a new user, so this would not be the same page. This appears because I am registered with the Khan Academy. This is my email aur isse main iske sath registered hu, to isliye ye page appear hota hai. When you first time when you log into the Khan Academy, jab aap login means ke click karte ho, so it asks you ke how you are going to log in as a teacher, as a student or as a parent. किस कैपेसिटी में आप इसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इट विल आस्क यू. सो डेफिनेटली हम एज अ टीचर इसको करते हैं, फिर जब आप अपना, तो ये फिर आपका पेज जो है वो इस तरह से वो आ जाता है. हाँ, एक चीज जो खान अकेडमी ये जरूर कहता है, क्योंकि इन्होंने जो सीडीज पे प्रोवाइड किया और बहुत सारी चीजें ये रन कर रहे हैं, तो दे आस्क यू कि इफ यू फील, इफ यू फाउंड दीज रिसोर्सेज यूजफुल एंड इफ यू वॉन्ट के द पीपल they keep on benefiting for them, so they ask you some of the donation. Agar aap donate karna chahte hain unke is cause ke liye, so you can do that. That is your choice. Ab this is yahan par hum kis tarah se karte hain ki ye list hai courses ki. Yahan par aap search bhi kar sakte hain, ye search hai, quick search mein ja sakte hain, lekin ye courses hain jinko hum click karte hain to ye unka link hamare paas aa jata hai. So all the courses from और ग्रेड वाइज भी आप देखें, क्योंकि इसने वो ट्यूशन और उसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, तो इसमें आपको जैसे कोर्सेरा या एडेक्स और जो इस तरह के हैं, उनमें आपको ज्यादातर एल्डर्स के लिए कोर्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के, लेकिन खान्स अकेडमी में यू कैन गेट द मटीरियल ग्रेड वाइज, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, स्कूल से हायर कॉलेज लेवल पर, और आपको ये मटेरियल इसका हर सब्जेक्ट में जो है, मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल है. जैसे ये देखें, मैथ है, फिर ये जो आपके टेस्ट प्रिपरेशन है, सेट वगैरह, उसके भी मटेरियल है, कंप्यूटिंग है, इकोनॉमिक्स है, लाइफ स्किल्स है, और बहुत सारा जो है वो. फिर अगर आप ग्रेड वाइज जाते हैं तो सेकेंड, थर्ड ग्रेडर, मतलब अगर हम ये कहते हैं हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो हम एज अ पेरेंट इससे बहुत सारा मटेरियल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन वेबसाइट. अब उसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे कि जैसे कॉलेज बायोलॉजी, दिस इज कॉलेज बायोलॉजी, और ये कोर्स है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है. अब आप देखें कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्या चीजें इसके अंदर जो है वो दी हुई है उन्होंने. अब यहाँ पर ये मेन है, पहले सबसे यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और उसके बाद फिर ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर एनर्जेटिक्स,
सेल कम्युनिकेशन, सेल साइकिल, ये सारे टॉपिक्स हैं। एक तो ये मेन पे है, फिर आप लेफ्ट अगर इसके साइड पे देखते हैं तो आप यहाँ से भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं ऑल द सब टॉपिक्स जो हैं विच आर रिलेटेड टू द बायोलॉजी, जितने उन्होंने कवर किए हुए हैं। और फिर इसी तरह से जो कोर्सेस, कोर्स से रिलेटेड ये है जिसको आप क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब इसमें एक जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस में दिस इज द रीडिंग मटीरियल, दिस इज ऑल द मटीरियल विच दे हैव। अब आप ये देखिए इंट्रोडक्शन टू द सेल, ये जो आइकॉन है दिस इज फॉर द वीडियो, दीज आर द आइकॉन्स जो कि वीडियोस का है, और ये आइकॉन जो है वो रीडिंग का है बिकॉज दे हैव जो है इसके अंदर अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वीडियो है और ये इससे रिलेटेड जो है वो रीडिंग मटीरियल है जैसे डिजिटल नोट्स वाली बात है। अब और ये वाला जो चीज है ये क्या है, वो जो असेसमेंट एक्टिविटीज है क्वेश्चंस, सो दैट के यू नो कि अच्छा मुझे अब अगर इफ आई एम फॉर इंस्टेंस मैं बेसिक इफ आई एम डूइंग अबाउट द सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तो अगर मैं उसको सारा रीड करने के बाद आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोज तो आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि अच्छा मुझे कितना समझ में आ गया, तो दे हैव गिवन 5 to 7 क्वेश्चंस के आपको पता चल जाए कि ये बेसिक जो है वो इससे रिलेटेड क्या है और किस तरह सिलसिला है सारा। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इंट्रोडक्शन टू द सेल, और ये जैसे यूकैरियोटिक सेल है ये उसका रीडिंग मटीरियल है, तो पहले में हम इसको देख लेते हैं। अब व्हाट अबाउट द यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है इंट्रोडक्शन में, तो उसमें अब आप देखें दिस इज द ऑल नोड्स जो यहाँ पर बताए हुए कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इट्स ऑल द डिटेल, एंड फिर पिक्चर के साथ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और फिर यहाँ पर फर्दर उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है इट्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको इसके थ्रू बताई गई है। ठीक है, अच्छा आप इसके बाद इंट्रोडक्शन टू द सेल, अब इसमें ये वीडियो आप ये भी देखिए कि ये कैप्शन भी आ रहे हैं ना यहाँ पर, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज द एंटायर वीडियो एक्सप्लेनिंग ईच पार्ट ऑफ द सेल, और बाय जस्ट अब इसके अंदर बाय वॉचिंग दिस वीडियो हमें यही लग रहा है ना कि जैसे टीचर इज देयर टू एक्सप्लेन, हर चीज को आउटलाइन भी कर रहा है और उसको पॉइंट करके उसके ऊपर इसी तरह से लिख रहा है, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। और फिर अगेन हम इफ वी सी दिस वीडियोस फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव तो हमें उनके पार्ट पर भी लगता है कि ये उनके लिए भी बड़ा एक ऐसा ही लग रहा है कि जैसे टीचर वहां पर एक्सप्लेन कर रहा है और वो साथ साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है और उसको समझ में आ रही है, वो नोट्स भी ले रहा है। सो दिस इज अबाउट देयर रीडिंग मटीरियल, और ये जो है आप ये देखें कि ये उनकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, और उसमें वो कहते हैं कि इसको क्लिक करते हैं तो ये दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स विच आर गिवन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड है, मल्टीपल चॉइस है, एक एक क्वेश्चन आप करते जाएं एंड देन यू विल बी मूविंग फर्दर, इधर 5 to 7 क्वेश्चन जब आपको लगता है कि इफ यू डिड इट करेक्टली फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल तो अब आपको होगा कि कॉन्सेप्ट आ गया। अब वी एज अ टीचर हम क्या से फायदा बेनिफिट कर सकते हैं कि हम ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ऑनलाइन में या किसी भी तरह से हम अपने स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और उनको हम जो है वो इस तरह से एमसीक्यूज और सो दिस इज आई थिंक द डिटेल्ड टूर ऑफ द खान अकेडमी, आई होप के आपको समझ में आया, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क के हाउ यूजफुल इट इज, एनी क्वेश्चन विच यू हैव रिलेटेड टू दैट अगर आपके पास कोई है। ये एडेक्सा और कोर्सिया या खान अकेडमी के अंदर जो आपने बड़ा इंफॉर्मेटिव ये स्लाइड्स दी हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या जो हमारा एंड यूजर है तालिब इल्म है उसके लिए क्या है। आप लाहौर में बैठा हुआ शख्स हर जगह को लाहौर तो कंसीडर नहीं कर सकते, देखिए
अच्छा देखिए मेरी बात सुने, जो एंड यूजर है उसको बेनिफिट कौन कर रहा है, उसको चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम कर रहे हैं ना। देखिए बात यह है कि अगर हम एज अ टीचर, पहले ही मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड के अंदर ये बात कही थी कि ऑनलाइन जो टीचिंग है उसमें हमें अपने टीचिंग को इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से डिलीवर करना है कि सो दैट इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटिंग फॉर द स्टूडेंट। अब ये हमने मेक श्योर करना है, हमने ये नहीं उसको कह देना कि जाओ तुम ये लिंक खान अकेडमी का जाके देखो, यहाँ से हमने आइडियाज लेने, हमें वो मटीरियल मिलना है, हम अपनी टीचिंग में उनको इस तरह की एक्टिविटीज। देखिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेस टू फेस। फेस टू फेस में हम अपने स्टूडेंट को देख रहे होते हैं, वो चाहे मेंटली प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, लेकिन हम फोर्सली उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको पता है टीचर इज जो वॉचिंग, और वो उसके अकॉर्डिंगली वो अटेंटिव हो भी जाते हैं। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन दिस इज नॉट द केस, वी डोंट हैव टू रिलाई ओनली ऑन द लेक्चर। हम सिर्फ ये नहीं समझ सकते कि हमने ऑनलाइन क्लास ली, लेक्चर दे दिया, अब ये स्टूडेंट जो है वहां पर अटेंटिवली एंड वी एक्सपेक्टिंग कि अच्छा वो थोड़ा अटेंटिवली उसको सुने, और सुनने के बाद जो है वो पूरी उसी तरह से समझ जाए, और ऐसा इज नॉट द केस। हमें ये देखिए ऑनलाइन जो टीचिंग है ये डिफरेंट है फ्रॉम द फेस टू फेस। आपको अपने कोर्स को एक प्लान करना है। हमने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो जिस तरह से अपने अपने कोर्सेज को हमने चेंज किया, लास्ट समर में वी स्पेंट आवर्स एंड आवर्स, जब ऑनलाइन पे शिफ्ट चला गया था कई घंटे हमने स्पेंड किए कि हमने उसको कहा कोर्स पैक, वो कोर्स पैक्स बनाए। कोर्स पैक में क्या था फॉर द स्टूडेंट्स, पूरे कोर्स की आउटलाइन थी, उसके से रिलेटेड वीडियोज भी थी, जैसे ये था उससे सारा रीडिंग मटीरियल उनको प्रोवाइड किया। फिर इसके बाद व्हाट आई डू, आई बिलीव कि व्हाइल टीचर आई एम नॉट गोइंग टू एंगेज देम, आपने उनको कैसे एंगेज करना है, आपने उनको एक्टिविटीज प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस ये देके एंगेज करना। डोंट एक्सपेक्ट देम कि व्हेन यू आर गिविंग देम द लेक्चर सो दे विल बी अटेंटिवली लिसनिंग टू यू। देखिए एक मैं आपको रियलिस्टिक बात बताऊं, जब हम क्लास ले रहे होते हैं हम, आखिर हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे ये बात भी समझ आ रही होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ लॉग इन करके खामोश हो गए हैं, चाहे वो सो गए हैं या कहीं भी इधर उधर हो गए हैं, वो वहां पर स्क्रीन पे तो हमें नजर आ रहे हैं लेकिन वो नहीं, दिस इज नॉट द केस कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमने सिर्फ लेक्चर डिलीवर किया, दैट्स इट। हमने अपनी टीचिंग को ट्रांसफॉर्म किया, और उनको मैंने क्या करती हूँ कि थ्रू आउट माई ऑनलाइन कोर्स मैं उनको लेक्चर कम और एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट पे ज्यादा इन्वॉल्व करती हूँ। मैं अच्छा चलिए जी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक है, आपने ग्रुप बना दिया, आपने प्रेजेंटेशन दे दी, सो आपने क्या किया, आपने बियॉन्ड द क्लास उनको इन्वॉल्व किया ना, सो दे विल बी प्रिपेयरिंग दैट प्रेजेंटेशन, उसके बारे में रीड करेंगे फिर प्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज, हमने एंगेज करना है, ये इफेक्ट करना है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। अभी हमारे स्टूडेंट यूज टू नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट लर्नर, हमने उनको ये बात बताना है। वंस हम उनको थोड़ा सा ये देखे ना, अगेन कीपिंग इन व्यू दिस द ट्रांजिशन टाइम, अगर हम थोड़ा सा इनको उस ट्यून इन कर देते हैं, ट्रेन कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, देन दे विल बी एट देयर ओन, दिस इज व्हाट इट इज। पहले हम तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें अपनी टीचिंग को और इस सिलसिले को। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। मैं बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन ये है कि ये मेरा मकसद ये था कि तलबा के पास ये सोर्सेज हैं जिससे वो ये हम सब कुछ हमसे ले सकें। देखें आप, अब देखें ऑनलाइन तो अब हमारी मजबूरी है ना, अगर देखें फर्ज कर लीजिए हम ये कह दें कि अच्छा जी ऑनलाइन क्लास है, अब स्टूडेंट तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हम ये एक्सक्यूज दे देंगे उनको कि वो ना आए ऑनलाइन में, क्योंकि आई नो इज कि अब किसी, देखिए अब तो किसी रिमोट एरिया में भी हम लोगों के पास स्मार्टफोन पड़े हुए हैं, आपको पता है। वही बात मैंने की, लाहौर में बैठकर हर जगह लाहौर नहीं है डॉक्टर साहिबा माजरत के साथ के बहुत सारे मुश्किलात हैं रिमोट एरियाज में, और आप ये देखें कि अब तो नहीं। देखें ये मुझे पता है हमारे जब बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस इस बात का देते हैं। देखें मेरे पास जो मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, और इवन ट्राइबल ये जो है वजीरिस्तान और इसके स्टूडेंट्स भी हैं,
लेकिन वो अब आप तो नेट और ये स्मार्टफोन और ये जो आपके सिम देखिए चलिए और ना सही हमारा जो यू फोन है फॉर इंस्टेंस मेरे पास इसकी सिम मुझे बहुत सारा डाटा देती है। आपने उनको उनके एक्सक्यूजेस पे जाने की बजाय आपने उनको अपडेट करना उनको वे आउट बताना है कि किस तरह आप इसको सर्च कर सकते हैं चीजों को। देखिए जमाना जब आगे जा रहा होता है ना एक बात हमें थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंगली देखनी चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसी बात आ जाती है कि जिसे कि अब अगर टाइम ही ये आ गया इससे हम एस्केप नहीं कर सकते। देखिए एक साल गुजर गया ना हम यही सोचते रहे पिछले साल कि अच्छा ये चीज होगी वो एक सेमेस्टर दो चार महीने में खत्म हो जाएगा कोई तकलीफ। अब फिर पूरे मार्च में फिर अगेन वही वेव आ गई। अभी हमने क्लासेस शुरू की थी और अभी हमसे फिर कह दिया कि नहीं फिर वो उसका आ गया कोरोना का फिर मसला शुरू हो गया वहां फिर ऑनलाइन चले जाए। तो अब हमने उसके वे आउट खुद तलाश करने हैं फिर अपने स्टूडेंट्स को भी बताना है उनके भी उस तरह से कवर करने हैं। तो ये वाली बात तो है कि ये जो ट्रांजिशन फेज होता है उसके अंदर डिफिकल्टीज इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को लेके खड़े रहेंगे तो मेरा ख्याल है हम खड़े ही रहेंगे दुनिया सारी आगे निकल जाएगी। हमने क्या करना है हमने उनके वे आउट निकालने हमने उनके सोल्यूशन निकालने हैं। और मैं आपको बताऊं कि ठीक है लाहौर में मैं अगर बैठी हुई हूँ आई डोंट नो कि वहां के लोकल पॉसिबिलिटीज क्या हैं। जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको पता होता है कि किस तरह से हमने लोकली क्या चीजों को करना किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो अब हमने इसके वे आउट खुद ढूंढने भी हैं उनको हेल्प भी करना है ढूंढने में। चले कुछ भी नहीं होता खान ने किया था सीडीज बना के हम अपने लेक्चर सीडीज पे सेव करके उनको सीडीज दे दें यूएसबी प्रोवाइड कर दें कुछ तो करना है ना अभी ट्रांजिशन के फेज में। हाँ जब हम ये कहेंगे कि हाँ पाकिस्तान जो है वो बड़ा ही सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन सारी चीजों में तो फिर हम शायद इस चीज को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी देखिए फोन सर्विस तो अब हर जगह पे पहुंच चुकी है फोन सर्विस तो अब हम सोच भी नहीं सकते कि किसी भी एरिया में नहीं है या क्या है जहां पर फोन सर्विस है वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी है। तो हमने वे आउट का सोचा थोड़ा सा मैं इसको फिनिश कर लूं फिर मैं आपसे लेती हूं क्वेश्चन आंसर। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट इज एज अ टीचर व्हाइल लर्निंग टू यूटिलाइज दीज डिजिटल रिसोर्सेज यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट और द वे ऑफ थिंकिंग how these can be effectively integrated in the lesson as a teacher while learning ab humne kya hai ki these digital resources you need to have a right mindset or a way of thinking how these can be effectively integrated in the lesson. ab dekhiye kitni cheeze so many things are available videos bhi hain pictures bhi hain aur bahut sari hain. ab humne ye dekhna hai ki main as a teacher kis tarah se usko bahut effectively integrate kar sakti hu apne lesson mein. So a lot of teacher may find it don't मतलब हमें initially मुश्किल लग रहा है बड़ी difficulty हमें हो रही है कि ये एक time taking है बहुत ज्यादा effort है और इसके बाद शायद previously face to face class में हम आते थे lecture देके चले जाते थे notes उनको दे देते थे हम समझते थे teaching पूरी हो गई लेकिन हमें अपने आप को change करना है ये अपने mindset को change करना है हमें। अब उसके अंदर जो last slide है मेरी ये आपसे एक यू नीड योर अटेंशन कि वंस यू गेट द हैबिट ऑफ एक्सप्लोरिंग द टूल्स परहैप्स टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम एक्सपेंडिंग योर आइडियाज ऑन हाउ टू क्रिएटिवली यूज अप्रोप्रिएट टूल इन अ क्लास यू विल इवेंचुअली सी योर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ टीचर। देखिए अब हमने सबसे पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है फिर हमने उसका इम्पैक्ट अपने स्टूडेंट को देना सो यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन एज अ टीचर हु इज बिकमिंग मोर रेलिवेंट effective in teaching content while at the same time develop learners capacity to be creative think critically and become collaborative and effective communicators in the 21st century. This is my message to you as well. ye mera aapko ek wo message bhi hai aur ye paigham bhi hai ki ab humne transform hoke aisa teacher banna hai jo effective ho jo critical thinking और collaborative और effective communicator हो और हमने इस 21st century में खुद भी survive करना है और अपने student को भी help करना है to survive in that. So that's that was all for today. Thank you very much. So open to your questions. Now you can we can discuss. जी मोहम्मद अजीम मैम जी जी सब
people who don't want to make any kind of positive work are yeah. always put forward these kind of lame excuses that we yes. haven't cell phones, we haven't access to the yes. internet. I believe. मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक क्लास को पढ़ाता हूँ जी. जब हम को देखते हैं तो मुझसे ज्यादा प्रेशियस और कॉस्टली जो सेल फोन है वो उन स्टूडेंट्स के पास है. वी आर पुअर, वी शुड बी अवार्डेड मोर स्कॉलरशिप, ज़कात में उनका नाम. ये मैम सारी झूठी कहानी है, ये बच्चे सुनाते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने काम करना है उसके पास नेट मौजूद है. ये बिल्कुल ऐसी है. और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने फरमाया कि ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे हम व्हेन वी आर इन द क्लास इफ द टीचर्स रोल इज एक्टिव देन द स्टूडेंट्स विल बी एक्टिव इन द सेम वे. आपने प्रेजेंटेशन शुरू की, यू हैव इन्वॉल्वड ऑल स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज. जस्ट लाइक पहले आपने एक व्यू लिए, फिर व्यूज लिए, फिर व्यूज लिए. आपने इस स्ट्रेटजी की बदौलत वी रिमेंड वेरी एक्टिव इन योर सेशन. तो इसमें भी स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कैन बी एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंटर अनलेस कितना भी फासला क्यों ना हो उसके अंदर ना. मैं इस चीज को कह रहा हूं कि अगर इफ वी वांट टू मेक अ सक्सेसफुल नेशन वी हैव टू अडॉप्ट दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड अडॉप्ट एजुकेशन. पॉसिबल ही नहीं है कि जो है ना इसके बगैर सर्वाइव करें. वन ऑफ माय टीचर वाज इन किंग्स कॉलेज लंदन इन 2004. She always delivered her lecture to the different nationalities at that time by this mode of communication. वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ के students कहें कि जी we are not getting properly. ऐसा नहीं था, उन्होंने adopt किया, they are successful. हम adopt नहीं करेंगे, हम और पीछे चले जाएंगे. बाकी ये कोई reason नहीं है कि cell phone जो है ना जी वो है नहीं. बच्चे झूठ बोलते हैं, they are वो सिर्फ काम से बचने के लिए ये काम कर रहे होते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जी बिल्कुल सही है. थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस इन अजीम साहब. आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने एक बड़ी बात कही. बात भी यही है. और देखिए अब नहीं, कल नहीं, एक साल हो गया, हमने कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंगली हो ही जाता है. और मैं आपको बता दूं कि एक जैसे हम इंटरनेट के और उसके एक्सक्यूजेस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं. अभी आई नो वन ऑफ द टीचर जो कि किसी बहुत गाँव में अगर उनके पास कंप्यूटर लैब या कुछ नहीं भी है तो वो अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं बच्चों को वीडियोस दिखाने के लिए. फेस टू फेस की बात नहीं. मैंने परसों स्टूडेंट को पकड़ा है, सॉरी टू इंटरप्ट, वो क्लास में वीडियो देख रहा था. तो जब मैंने उसको फॉर वाचिंग वीडियोस इन द क्लास, ही वाज द बैक बेंचर, ही सेड सर ऑल स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स इन देयर पॉकेट्स. तो वहां पर कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसके पास 20,000 से लेस प्राइस का सेल फोन मौजूद ना. बात फजूल है कि जी उनके पास एसेस नहीं है. और बस थोड़ा सा हमें एज अ टीचर उनको चैनलाइज करना है. और उसको अगर हम देखें, यही फोन, यही चीजों को अगर हम थोड़ा सा चैनलाइज कर देंगे, हम अपनी देखिए ना, हम वही बात है अगेन कि अपने पुराने लेक्चर मोड से हट के अगर हमको एक्टिविटीज और उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे वो जरूर करेंगे. ऐसी बात नहीं है. तो ऐसा ही है. Online classes, I set myself more polite and comprehensive that the student must be able to get what I am saying. They must feel friendliness in my lectures. It's a very good mode of communication, I think. जी ठीक है जी. हफीजुल्ला साहब का भी हाथ खड़ा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम सलाम. मैम आपका लेक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली. तो मैं एक बात शेयर करता हूँ कि डार्विन की अगर पढ़े ना डार्विनिज्म को, तो डार्विन ने काफी अरसा वर्क किया. तो जब ब्रिटेन वापस आया तो उनसे पूछा लोगों ने कि आपने क्या किया, तो उसका फिक्र मुझे बड़ा याद आ रहा है. उसने कहा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड एडाप्टेशन आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस. स्पीशीज तो बन गई, अगर आपने आप को ढालेगी तो वो जिंदा रहेगी, बच्चे पैदा करेगी, सर्वाइव करेगी. अगर आपने आप को नहीं ढालेगी तो वो मर जाएगी. अब मैम जो वर्ड है वो एक न्यू एरा में दाखिल हो रही है, एक न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, एक जो दुनिया का हमारा फ्यूचर है वो एक करवट बदल रहा है. जो जो इनर्शिया के शिकार होंगे वो पीछे रह जाएंगे.
जी बिल्कुल ऐसे जो इनर्जी से बचेंगे और अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, वो आगे चलेंगे। मैम आई थिंक इट इज ए नेचुरल सिलेक्शन। हम इसको अडॉप्ट करेंगे, सोने सुकने दामे दिरमे अडॉप्ट करेंगे, सर्वाइव करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे तो अपनी डेथ आप खुद लेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही। वेरी गुड, वेरी गुड अफीस साहब। जी बिल्कुल सही पॉइंट। अजीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, यू आर ग्रेट पर्सन। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक रियलिटीज ऑफ लाइफ, हाउ हम कैसे छुपा सकते हैं इन चीजों को। हम देखें वो डिकेड जो है सन 2020 गुजर गया, अब नई दुनिया में हम दाखिल हो गए हैं, हमने न्यू चैलेंजेस को लेना है, नहीं लेंगे तो फिर हम इंतजार करें, वी आर गोइंग टू डाई। जी बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच फॉर। रियलिटी है कि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिटेस्ट को प्रमोट करेंगे, फिटेस्ट ही प्रमोट होंगे, फिटेस्ट ही सर्वाइव करेंगे, लेस फिट नहीं। लेकिन हमें देखिए मतलब इस बात पे मुझे ये होता है कि हम उनको हेल्प करें, हम अपने स्टूडेंट्स को उनके उस पे ना छोड़ें, हम उनको हेल्प करें और हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देयर ऑलवेज अ वे आउट, देखिए वी बिलीव देयर इज ऑलवेज अ वे आउट उसमें। तो थैंक यू वेरी मच जी, आई रियली एप्रिशिएट। मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया इनटू द सेशन, आई लाइक दैट एंड आई होप यू हैव गॉट समथिंग useful for you out of this session and you will continue learning. Actually, ma'am, your role was active in the class, so students are active in the class. Achha, thank you very much. Thank you very much, and good luck for your all future endeavors. Aur, thank you. 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 Very much. Participants, it's time to start our last session of today, and our resource person Ms. Sadia Saeed is here with us, and please let me introduce Ms. Sadia Saeed. Ms. Sadia Saeed is an experienced educator and she is currently working as a trainer for English language communication at Judicial Academy Lahore, Pakistan. She has done her Masters of Arts in Applied Language Studies from University of Westminster, London, UK. She also has a dozen of certifications to her credit as well. She has more than 20 years of experience in English language and literature. Over to you, ma'am. You can start the session. Thank you. Thanks for the kind introduction. Assalamu alaikum, everyone. Aaj ka hamara jo topic hai lecture ka, it's a critical, creative and reflective thinking. Iske baare mein detail mein baat karenge. Usse pehle, I would like to request कि अगर ड्यूरिंग द लेक्चर आपका कोई सवाल हो, आप जानना चाहें दैट यू नो कोई भी मैं पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक थ्रू माय प्रेजेंटेशन, सो यू आर मोर देन वेलकम टू यू नो जस्ट स्टॉप मी राइट देयर, एंड सिंस आई कांट सी यू प्रेजेंटेशन जब ऑन होती है तो आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू गो थ्रू it again with you, explain it further, elaborate it further as much as possible. So feel free if there is some confusion or some sort of explanation required. Lecture jo hai uski it's divided in couple of parts. Kuch hum critical thinking ke definition ki baat karenge, फिर वो कैसे अप्लाई की जा सकती है, और क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का इंटीग्रेटेड रोल क्या है हमारी लाइफ में, एंड प्लस हाउ वेल वी कैन परफॉर्म एज ह्यूमंस, एज एजुकेटर्स विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऑन टॉप ऑफ इट। सो लेट्स बिगिन, आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू. Right, let's begin. Critical, creative and reflective thinking. Plato defined thinking as the talking of the soul with itself. At this point, I would like to share an article which appeared in the Dawn newspaper on Sunday, November 8, 2020, about a review of a book
It invites us to reflect with attention on what French philosopher Simone Weil considered a form of prayer. More importantly, as Bachelor's chapter on Agnes Martin's paintings beautifully depicts, solitude that trains our attention chisels our way of seeing, which is nothing like the empty and acquisitive desire to take a selfie with painting in a museum, or which constantly filters our experience the phenomenal world through our mobile cameras. It is the actual witnessing of a person as the other that informs our experience of love and all its longing, distance and absence, rather than the constant availability of the object that is only a source of procuring our momentary pleasure. It is only in solitary companionship with oneself, what Plato called the sacred dialogue between me and myself, that one is enabled to love and witness truly. It is only through revelations in solitude that we must learn to restore dignity to ourselves and to others. For our future as humans is only secure if we are able to be attentive and thoughtful, abilities which we must cultivate through reflective thinking and serious reading. I would highly recommend Bachelor's book. It's called The Art of Solitude. Anyone who's interested in what constitutes our fundamental humanity and how we must cultivate and preserve it for creating a better and more meaningful world. An example from history, Torrance Kids. In 1958, 400 children completed creativity tasks designed by Professor E. Paul Torrance. The children were asked, how could you improve this toy to make it better and more fun to play with? Those who came up with much more good ideas on Torrance's tasks grew up to be entrepreneurs, inventors, college presidents, authors, doctors, diplomats, and software developers. Jonathan Plucker of Indiana University recently reanalyzed Torrance's data. The correlation to lifetime creative accomplishment was more than 3 times stronger for childhood creativity than childhood IQ. So what is thinking, if at all, can thinking be taught? Is it nature versus nurture? Before we get to critical thinking, let's talk about thinking. One thing is essential to becoming a human being, and that is learning to use the mind. A human being acts in a human way when he thinks, very rightly said by Robert M. Hutchins. What is thinking? Thought implies higher level mental activity, and the word think conjures up a variety of types. Dictionary definitions include to consider, to reflect on, to call to mind, to devise, to form a mental picture of, to subject to the process of logical thought, to exercise the powers of judgment, conception, or inference, to reason and to meditate. Use of thought or thinking enables us to know about and understand objects, events, and ourselves. A major outcome of education is the development of thinking ability. It is unclear, however, whether or not thinking can be taught. Likely, it is a function of both nature and nurture, heredity and environment. Early on, during infancy, development seems most related to physical sensory experiences. As humans mature, they depend more on thinking.
At best, it is difficult to teach thinking, especially higher level thinking. If thinking capacity or range can be enhanced to some extent through experience, then thinking skills should be identified that can be taught or at least practiced. A number of persons feel they have identified thinking skills and operations. They can be contained in three categories. Basic operations include skills in observation, correspondence, classification, and seriation. Integrated operations are logical multiplication, compensatory thinking, proportional thinking, probabilistic, and correlational thinking. Complex strategies are those thought to be associated with inquiry learning and problem solving, and that include curiosity, persistence, and carefulness. An analyst, a researcher, Nickerson, categorized the kinds of thinking taught in programs developed for schools as follows. Number one, cognitive process, approaches to teach mental skills such as comparing, ordering, classifying, inferring, and predicting. Number two, heuristics, which means discovery and problem solving. Number three, formal thinking or stage development programs, bringing persons from the concrete to formal operations. Number four, language and symbol manipulation, with writing as a means of developing thinking skills. Number five, thinking about thinking, where thinking is the subject matter and there is the assumption that learning about thinking can improve thinking, which is in fact is metacognition. And lastly, learning strategies. For example, knowing and practicing memorization, rote skills, underlining, summarizing, note-taking, diagramming, and so forth. Although schools are beginning to focus extensively on cognitive skills being mental processes of perception, memory, judgment, and reasoning, and these are being focused for students, but they are giving little attention to the impact of those skills on teachers. So not only are teachers unprepared to foster cognition skills in their pupils, they fail to apply systematic thinking to their own daily instructional tasks. So let me take you a bit back at this point, and I'll share some excerpts from another article from Dawn Lahore, Monday 21st December 2020 by Neda Mulji. She's a writer, a senior manager, professional development at Oxford University Press. And she writes very well what critical thinking skills are. And I quote, critical thinking skills do not spring out of a magician's hat in a dramatic burst of energy. In fact, they are the result of a painstaking process of building and rebuilding with carefully wielded teaching tools in the hands of educators who have learned to develop it as a social culture rather than an activity. It has to be built into the ethos of a school and manifests itself in student interaction with peers and teachers, reflects in the leadership of the organization and upset by the school. Critical thinking skills demand a degree of involvement that is born out of an immersive learning experience focused on communication and cannot grow like a lone flower in isolation. Towards the end of this article, she sums up, critical thinking skills fill the gap with the why and how
questions that students must answer for themselves if they are to internalize, construct, and structure their analysis focusing on the topic at hand. Critical analysis necessitates a room full of perspectives, which implies accepting input from all students, whether right or wrong, logical or bizarre. Out of the chaos of ideas comes a pattern of reasoning that we can help student organize in a logical argument. She ends up the article by saying, in critical thinking, the pendulum swings between possibilities. It is a journey away from the status quo, focusing on the endeavor to produce new means and innovative knowledge. The result is a wide array of skills ranging from problem solving and decision making to foresight and creativity. Very well written and very logical. Now, coming back to some suggestions to enhance thinking about thinking. Teachers, perhaps above all others, should be capable of using the mind. For most, they need to be vigorous investigators of their own thinking. Ideally, by nature and nurture, they should possess and demonstrate higher order mental abilities they intend to propagate in their pupils. If they do not possess and demonstrate such abilities, it is because teacher education units have failed to select teacher candidates with these attributes. They have failed to engender them during the pre-service programs, or local education agencies do not encourage and reward such teacher behavior. Costa in 1984 suggests that in order to enhance thinking about thinking, or metacognition, we should get participants to indicate where they are in their thinking and how they got there. Number two, get them to explore the consequences of their thinking and choices. Lastly, number three, have them distinguish between what was done that was helpful and hindering, what they liked and didn't like, and what were the pluses and the minuses of the experience. Higher order thinking skills are many. I'm just naming some over here. And we'll talk about number one and number two, problem solving and reflection, a bit in detail. Reasoning, evaluating, decision making, and analyzing. So in that order, these are the main fundamental skills for thinking. So two higher order thinking or mental skills that are essential to successful professional practice are problem solving and reflection. Concepts not necessarily mutually exclusive. Let's talk about problem solving. The teachers teach problem solving, that is evident. Less evident is that they employ it as professionals. Manifestations of teacher reluctance or inability to use problem solving are ubiquitous. The dour faces of pupils removed to the principal's office, the resentment held by teachers toward parents and parents toward teachers, the unsatisfactory grades on pupil progress cards, and the misuse of personal and sickness leave. Essentially, classroom problem solving requires the person motivated to resolve or reduce the severity of the problem to be able to identify what the problem is, value the goal, and consequently the degree of willingness to strive toward it regardless of present adverse conditions. Analyze the problem situation, noting the obstacles to the goal, hypothesize ways by which the goal can be achieved by getting rid of the obstacles, overcoming or circumventing them,
or producing imaginative, creative solutions. Predict possible consequences of the hypothesis. Choose the solution or solutions most likely to gain the goal with the fewest possible negative side effects. Implement the solution and evaluate the extent to which the goal has been attained in full or part. Opportunities for real-life problem solving abound. They exist in every school and classroom. Additionally, simulations have been developed that present the problems of practice as reported by teachers. Let's discuss reflection. Reflection is another kind of thinking. It occurs when something is brought to mind or consciousness so that consideration can be given to it. For example, one could reflect upon classroom problems. Reflection, however, does not occur exclusively in problem situations. A most commonly used definition of reflection was provided by Dewey in How We Think in 1910. Reflection is active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusion to which it tends. In Experience in Education, 1975, he added, "To reflect is to look back over what has been done to extract the net meanings, which are the capital stock for intelligent dealing with future experience. One way meaning can be constructed from experience is by discussing it. Properly directed, discussion calls for higher level thinking and even attitude change." According to Dillon, 1984, discussion is characterized by freedom to express and to accept divergent views. Divergent views being expressed, all views being considered, an intention of those involved to improve in some way related to the topic or situation discussed, and use of reason, evidence, and argument. Another way to construct or derive personal meaning from experience is by introspection. In this, Wayne Valvade, 1982, noted, "Reflection means asking basic questions of oneself. The basic and comprehensive question during reflection is, what am I doing and why? Reflection is a form of slightly distorted self-evaluation, distorted in the sense that judgment is emphasized rather than data collection. The individual asks value-laden questions and responds on stored selected data memory, and then concludes whether he or she is satisfied or dissatisfied. Reflection then is an individual's needs assessment and continued self-monitoring or satisfaction with effectiveness. In either case, whether introspection or discussion is used, certain contextual prerequisites are necessary. There must be an experience worthy of note. Motivation must exist to learn about and from the experience. A framework has to exist that directs attention to salient features of the event. Finally, provision must be made for transferring what is learned to similar future experiences. For practicing teachers, there are infinite experiences worthy of note. And since teachers generally wish to improve practice, it remains mostly for teacher educators and staff developers to provide opportunities wherein attention can be directed to salient features of the events and teachers urged to use new and rediscovered insights about teaching and learning. For pre-service teachers involved in field experiences, if care is taken, journals or diaries can be used.
during student teaching, special conditions can be established that stimulate novices to reflect upon and process their experiences. Friedenberg, a researcher, noted, if practice teachers, in addition to their practice teaching, were directed to observe and discuss and were evaluated on their astuteness in perceiving and analyzing, there would be no question whatever of the value of field experience. All provide one thing that many of us would agree makes the most difference in teacher improvement: a way of looking at and analyzing teaching. These strategies provide opportunities for teachers to experiment with new practices to see how they work. In short, they encourage teachers to reflect upon their teaching. Flanders, 1976, agreed that teachers benefit from all such activities. When teachers or college students have a chance to study their own teaching behavior thoughtfully and have access to opportunities for practice and subsequent analysis, the odds are very high that they will change or modify their patterns of teaching behavior. That brings us to the question, what are the potential benefits for teachers who engage in higher level thinking, including problem solving and reflection? This question was asked of hundreds of participants involved in 30 workshops held in 1983 to 1984 by Phi Delta Kappa chapters. The responses were varied, sometimes of a high inference nature, but always positive. The values that would seem to be gained according to these teachers, supervisors, administrators, and teacher educators are both personal and professional. In the first instance, participants believed that teachers who have good habits of thought would be more sensitive, accepting and empathic, tolerant and open-minded, flexible, wise, reasoning, resourceful, creative, informed, objective, observant, aware, and self-understanding. In the second instance, teachers would be able to produce generalizations about teaching, learning, and learners, understand what teaching and learning are about, know why they teach as they do, and how they might like to teach, and be more able to analyze and evaluate their own teaching. Thus, according to practitioners, there is every reason to hope that higher level mental activity would result in substantial improvement in classroom life, that indeed use of thought and thinking contributes substantially to understanding learners, classroom events, teaching and learning episodes, and of course, ourselves. Increasingly, teachers are being asked to teach or consider the possibility of formally teaching thinking skills to their pupils. This in spite of the fact that they generally have not been prepared to do so either by pre-service and in-service education, and that it is not certain thinking can be taught, but only practiced. At the same time, in the rush to improve the thinking and mental abilities of children, the opportunity and need to improve those same abilities in teachers has been overlooked. As Silverman, 1970, noted, we must find ways of stimulating teachers to think about what they are doing and why they are doing it. Several alternatives are available that intend to raise the level of cognitive thought about teaching. It remains for pre-service and in-service teacher educators
to make such a commitment and to provide contexts in which teachers can better learn to use the mind, hence become more competent as practitioners and more rational and human as people. Moving on to creative thinking, which is innovative, inventive, unconstrained thinking. It is associated with exploration and idea. It revolves around finding solutions positively and also intelligently, coming up with innovative ideas through brainstorming. And it is also a fun activity. The critical and creative functions of the mind are so interwoven that neither can be separated from the other without an essential loss to both. Critical thinking is disciplined and intelligent thinking. You train your memory. You have a more analytical, reasonable mind with mathematical intelligence and logical reasoning. Creative thinking revolves around problem solving and it enhances your creativity. Criticality assesses and creativity originates. So, criticality meaning judging severely, finding faults. Assesses, you determine the value, significance, or extent of appreciating. Creativity is possession of mental qualities required to do something or get something done. When you originate it, you bring it into being. You take form or shape. The aim of critical thinking is to promote independent thinking, personal autonomy, and reason, judgment, and thought and action. The ability to reason well and disposition to do so. Keys to critical thinking. They are called RED. R for recognizing assumptions. E for evaluating arguments. D for drawing conclusions. RED thinking revolves around higher order executive functioning. It is the thinking which analyzes, assesses, and improves green thinking. And green thinking revolves around being instinctive, automatic, spontaneous, and it is unconsciously guided. So what is required? If you look at this slide, at the top of the pyramid is creative work. Left side bottom is routine work. It is done by people. And on the right hand side at the bottom is routine work done by machines. The top of the pyramid is all about creativity, research, development, design, marketing and sales, global supply chain management. Here are some questions for you. Food for thought. Critical thinking is for science and math. And creative thinking is for arts and humanities. Is that so? Critical and creative thinking can and should be applied to any subject, content, or problem. Creativity is a right brain activity. Creative thinking requires divergent thinking and then convergent thinking. When I say divergent, that would be thinking out of the box. You are departing from convention. And convergent thinking is tending to come together from different directions. So creativity requires constant shifting between right and left brain activity. Creativity can be taught by practicing it, and practicing promotes more creative learning.
strategies for teaching critical and creative thinking. Number one, fluency. Thinking of and listing many ideas. Number two, flexibility. Thinking from different perspectives. Number three, originality. Coming up with unique ideas. Number four, elaboration. Building upon an existing idea, adding details. Role of a teacher, creative or critical. Thinking is a skill that young minds will undeniably need and exercise well beyond their school years. Experts agree that in keeping up with the ever-changing technological advances, students will need to obtain, understand, and analyze information on a much more efficient scale. It is our job as educators to equip our students with the strategies and skills they need to think critically in order to cope with these tech problems and obstacles they face elsewhere. Another article I would like to share with you. It appeared in Dawn, Tuesday, December 22nd, 2020. The title was Equal Education, written by Anjum Altaf. The writer is the former dean of the School of Humanities and Social Sciences at LAMS. A beautiful example caught my eye, and I thought that I might share it with you. In the beginning of the article, Mr. Altaf writes, the 2020 Global Teacher Prize, sponsored by the Varke Foundation and UNESCO, and worth $1 million, has been awarded to Ranjit Sen Disale, a primary school teacher in a village in Maharashtra, where he teaches girls from tribal communities. There were more than 12,000 contenders from over 140 countries. Two things stand out about the winner. First, Ranjit Sen learned the local language to translate class textbooks into his pupil's mother tongue. Just this confirms that he is wiser than all our ministers of education and policymakers put together, which makes him deserving of the highest recognition. Second, Ranjit Sen belongs to the rare category of those who think beyond themselves. There were 10 teachers on the shortlist from which he was declared the winner. Ranjit Sen gave away $500,000 prize to the other 9 on the list because their incredible work is still worthy. If I share the prize money with the rest of the teachers, they will get a chance to continue their work, and we can reach out and lighten the lives of as many students as we can. What a wonderful example. I wish we could all follow this. Now, another one, while we move on to the other part of the presentation. In Dawn Lahore, Friday, February 26, 2021, the title of the article was Library, Yes or No by Zubeda Mustafa. The interesting part is that we talk about thinking, critical thinking, creative and reflective, how to do it, what are the skills required, but at the same time, what is the role of a library in all of it? So I'm going to read some excerpts from the article. And she says, very rightfully so, conventionally, religion is taught with no questions allowed. How can the child learn to think critically if she is not allowed to ask questions?
let parents, ustanis do this job as they have done for ages and they will do it better. Another prerequisite of critical thinking is comprehension and what one observes, hears or reads, which triggers the thought process. If an alien language is thrust on a child without giving her competency in it, nothing will be achieved. An analysis of the SNC for English and Urdu and their textbooks shows that they are immaturely designed for children whose mother tongue is neither English nor Urdu. It is plain that the language conundrum in Pakistan's education system is not about to end soon. Children will continue to be dumbed and the rote learning culture will remain. That will ensure that the bulk of our youth remains the educated but unlearned young men and women that many of them are today. It is in this context that I see a new role for libraries. They can primarily be centers of learning than storehouses of books. The librarians will become teacher activists and organizers of study groups to hold discourses on various issues which a good education system would encourage in its classrooms. Very valid points. Moving on. Teaching critical thinking. What is it? So there are two perspectives. Let's have a look. In critical thinking, we see both sides of an issue, being open to new evidence that disconfirms ideas, reasoning dispassionately, demanding that claims be backed by evidence, deducing and inferring conclusions from available facts, solving problems, so forth. Then too, there are specific types of critical thinking that are characteristic of different subject matter. You think like a scientist or you think like a historian. That's for you to reflect upon. From the cognitive scientist point of view, the mental activities that are typically called critical thinking are actually a subset of three types of thinking. Reasoning, making judgments and decisions, and problem solving. We think in these ways all the time, but only sometimes in a critical way. Critical reasoning, decision making, and problem solving have three key features: effectiveness, novelty, and self-direction. So, questions for your reflection. How did you learn to think critically? How long did it take you to learn to think critically? Was it a single semester or was it a year? Was it through your degree at the university or college? Any other experiences? What range of activities supported you in developing critical thinking skills and practices over this time span? Think about it. The two perspectives. One, it's a general skill set, as in general reasoning, logic, and problem solving. Another perspective is it's a specific skill set for a discipline, as in using specific types of problem solving. Research says both general and specific are key to critical thinking. And for student learning linked to Bloom's higher order thinking skills, it is important, it is more effective to build teaching and learning plans around engagement with specific critical thinking skills. Students need a knowledge base in order to work critically with that knowledge, to engage in critical thinking. In other words, the disciplinary context matters. Now, what are the definitions in your context? What traits, skills, behaviors, or qualities demonstrate critical thinking in your course or discipline? So,
this is not asking what assignments or in-class activities you do, rather what are the skills or qualities of critical thinking that students will need to engage to meet course learning goals. See the following chart as a further springboard. In these three columns, you'll see in the first one, critical thinking trait, then which activity should be done related to it, and how do you test for critical thinking? For example, number one, you see multiple viewpoints, options, solutions. The activity, you use multiple examples that illustrate variation and juxtaposition. You test asking students to generate multiple viewpoints, options, solutions in an assignment. Number two, evaluate, assess concepts, plans, solutions, activities. You allow for risk, failure from working through an idea, concept, and solution. For testing, you offer no or low stakes assignments plus feedback. Allow students to redo an assignment for higher stakes. Lastly, independent and creative thinking. Activities can include inductive teaching rather than deductive teaching. Here is the data. What do you see? And for testing, you give students data or raw materials to work with and develop their own solution first. Then students work with theory, etc. So now it's your turn. You can fill these columns up according to your own specific subject. Here are some suggestions for teaching and learning activities. The first one is writing activities. Better when some writing is generative and drafted with students seeking using feedback. Demonstrations, better if students can participate in the demonstration. Problem solving, including partial solutions. Think alouds, show your thinking process. Have students show their thinking process. Map or diagram a concept, process, theory, solution as individuals, mapping ongoing learning in groups as part of a jigsaw learning activity. Or you can work with data inductively. Data set, scenario, or a case study would do. Lastly, can be done through problem-based learning and inquiry learning. You can embed personal reflections, productive disagreement with the rational or reason, independent thinking before the lesson, inductive thinking, work with raw materials, creative thinking by generating ideas, design thinking using a process, logics, linear, circular, tangential, spiral, etc. And you allow for risk and failure in your assessments. Let's recap about creative thinking, critical thinking skills for teachers. Also, reflective thinking among teachers, a way of incorporating critical thinking in the classroom. So, creative thinking among teachers, step one. You become a knowledgeable teacher. Step two, you connect with other teachers. Step three, you become a collector of teaching ideas. Step four, you share your learning. Step five, remove the blocks to creative thinking. Step six, practice your creativity. Step seven, reflecting on your teaching. Step eight, make creativity a daily goal. Critical thinking among teachers is the process of actively and skillfully conceptualizing, synthesizing, and or evaluating information gathered from or generated by observation. Can thinking be taught?
Is it nature and nurture? Cognitive approach, comparing, inferring, and predicting. Discovery and problem solving. We have come to the last part of our lecture, which is reflective thinking among teachers, a way of incorporating critical thinking in the classroom. It was found that most of the teachers were not reflective about their teaching practices. They did not seem to practice the four learning processes: assumption analysis, contextual awareness, imaginative speculation, and reflective skepticism, which were indicative of thinking practices that research have found to enhance critical thinking. Students may not be able to think critically because the teachers are not able to think critically themselves. Critical thinking is often equated to higher order thinking skills and is within the last steps of Bloom's taxonomy: analysis, synthesis, and evaluation. Teachers often find difficulty actually incorporating these higher levels of learning into their lessons. In order to help with the process of critical thinking, reflective thinking is thought to enhance this process. Reflective thinking is part of the critical thinking process, specifically referring to the processes of analyzing and making judgments about what has happened. Dewey suggests that this form of thinking is an active, persistent consideration of a belief or suggested form of knowledge, of the grounds that support that knowledge, and the further conclusions to which that knowledge leads. Learners who think reflectively become aware and control their learning by actively assessing what they know, what they need to know, and how they bridge that gap during learning situations. Therefore, critical thinking involves a wide range of thinking skills leading towards desirable outcomes, and reflective thinking helps to integrate these thinking skills by making judgments about what has happened. An important role played by reflective thinking is to act as a means to prompt the thinker during complex problem-solving situations, because it provides students an opportunity to step back and think about how they actually solve problems and to use the best set of strategies to achieve their goals. Therefore, teachers who are able to use reflective practices will themselves be more attuned to using this strategy to help students think critically. However, it must be noted that reflective thinking will facilitate critical thinking and is a practice that must be encouraged among students. Critical thinking does not happen as a result of reflective thinking. So, teacher reflective thinking practices. Teacher reflection as retrospective analysis, which means ability to self-assess. So this approach, it incorporates prior experiences and how these experiences could influence the current practices of teacher. And it also includes the ability to self-assess, which is based on a model of development in reflective thinking by Hamilton in 2005. Number two, teacher reflection as a problem-solving process. In other words, awareness of how one learns. Teacher reflection as reflection in action and reflection on action. Many teachers fail to connect between their teaching and what they are actually practicing, and vice versa. These teachers can often teach the facts of a subject well, but will often not be able to make a bridge for students between what they learn and how it is used in practice. Number three, critical reflection of self-developing, continuous self-improvement.
So in order to be a critically reflective teacher, there are four learning processes that can be engaged: assumption analysis, contextual awareness, imaginative speculation, and reflective skepticism. So in summary, critical reflection can also be thought of as a process of analyzing, reconsidering, and questioning experiences within a broad context of issues like ethical practices, learning theories, and use of technologies. Examination of one's assumptions is not a simple task, and teacher must be able to ask themselves critical questions about their assumptions and actions. Last one, reflection on beliefs about self. The feelings and beliefs that teachers have towards themselves and others will play a part in how they teach. Teachers are highly influenced by their beliefs, which are closely linked to their values and their worldviews. These beliefs have great influence in the way they plan their lessons and deliver them. A study was done, and the research questions I'm going to share with you were given to teachers, and I'll share the answers with you as well. The first research question was, are teachers practicing reflective teaching? So the result, A, ability to self-assess, meaning observing own performance. About 20% of the responses seem to be very concerned with their own area of discipline, and at the same time also wanted to provide continued improvement in teaching their lessons. These teachers seem to be concerned about following orders so as not to get into trouble. B, using feedback and evidence. 15% felt they were being judged by the students, and another 15% perceived their students' feedback was important as it helped them understand their students better. It is interesting to note that very few, 3%, perceived that they did not feel their students' feedback helped them to identify their strengths and weaknesses, and thus need not be taken seriously. C, finding and analyzing patterns. So about 20% of the responses seem to view that a lesson's quality would be determined by the content and context of a lesson. The teachers were not of the opinion what they did during their lesson was an important indicator of their effectiveness, and they did not seem to view that how they taught in the classroom was affected by their life experiences, because they held their life experiences as separate from their work of teaching students. D, making judgments. About 20% of the teachers seemed to perceive that they were helpless over making mistakes, and they were not able to do anything about it. Many did not agree that they could learn from their mistakes and move forward. E, awareness of how one learns, concepts and misconceptions. 19% did not seem too concerned about students' feedback, as long as they felt they were doing their job. 14% seemed open to learn from past experiences and were willing to improve and use their lessons in future. 13% seemed to perceive student feedback as important in helping them enhance their lessons. F, knowledge construction. There were 19% responsible who perceived they needed guidance from a supervisor to help point out problems they were having with their lessons. 16% of them seemed to understand the students learned differently and they needed to look into new strategies to deliver their lessons. Last one, metacognition. About 10% of the responses seem to be open to reflecting on what they had done in their lessons and exploring strategies to help them teach better. 8% also seem to be open to using self-discovery to help them hone their skills when teaching. So generally, based on the results, it would seem that teachers were using reflective thinking to help them enhance their teaching,
but many were thinking in terms of personal performance and expectations rather than using it as a tool for personal growth. They did not seem open to the idea of using feedback from students, which is part of the assessment criteria based on a model developed by Hamilton 2005. Let's get to the research question number two. How do teachers think of themselves and their teaching practices? A, developing lifelong learning skills, developing identity as a learner. 12% were of the opinion that they were still learning to be better teachers and were open to feedback from supervisors and students. Only 6% were of the opinion that they had an established set of practices that they are comfortable with, and they were open to feedback from the students and supervisors to help them improve these practices. B, transferring learning to other contexts. 14% of the teachers seemed to be aware that they made assumptions about many things, and they should take the feedback from others in perspective and learn from the feedback they were given. 10% of the teachers were of the opinion that they were doing well because the overall comments from students were positive. C, understands learning as a lifelong process. About 20% did not seem to spend time on reflecting their practices as a teacher. Only 5% were aware that their actions will have an influence on how their students respond to them in their classes and realize that reflection of their practices were important. D, influence of belief about self, developing a personal belief system. 16% of the teachers believed that they need to take care of their own needs first before they could take care of others. 9% of the teachers were aware that their beliefs would influence their own behaviors towards others. So the results showed that a majority of the teachers were on the whole not critically reflective, as their responses did not show that they practiced any of the 4 learning processes, namely assumption analysis, contextual awareness, imaginative speculation, and reflective skepticism, which according to Brookfield were indicative of such practices. They were more interested in how they were assessed by their students and superiors. The results showed ambiguity about their feelings towards feedback from students. They perceived that feedback from students was important, but similarly, they also perceived that the feedback need not be taken seriously, as they were just opinions of others. According to Cesar, 2008, in order to become reflective thinkers, awareness of what is known and what is needed is essential to bridging the gap between learning situations. It is also interesting to note that these teachers perceive that getting feedback from students is like being judged by them. This is reflected in their belief that they must see to their own needs first before the needs of others. Such beliefs of these teachers would influence the way they teach. As such, these teachers may have problems incorporating critical thinking into their lessons, as well as bringing about effective learning experiences for students in this area. That brings us to the end of the lecture. I would end it by a famous quote by Albert Einstein: imagination is more important than knowledge. Imagination is the highest freedom of all,
and the one that no one can deprive us of. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. Thomas Carlyle said, "Go as far as you can see. When you get there, you can see further." Ginny Rometty, and I quote, "I learned to always take on things I'd never done before. Growth and comfort do not coexist." I believe we are ready for question and answer session. मैम जो आपकी लास्ट कोटेशन थी उसमें ग्रोथ के साथ सेकंड वर्ड कौन सा यूज किया गया था? डू नॉट कोएग्जिस्ट एंड कंफर्ट. ओके मैम, वेरी गुड. ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट कोएग्जिस्ट. मैम बिल्कुल ठीक हो. थैंक यू मैम. थैंक यू जी. जी कोई सवाल? जी हेलो. जी हेलो, एनी क्वेश्चन? एक्चुअली मैम लंच ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि सब लोग काफी लेजी हो जाते हैं मेंटली. लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि जैसे उनको कोई स्टोरी टेलिंग सेशन हुआ है और ऐसी सिचुएशन होती है लास्ट सेशन में. आफ्टरनून नैप जो होता है ना, कैलूला फरमा रहे हैं सारे. तो मैम आपका लेक्चर बहुत अच्छा था क्रिटिकल थिंकिंग का, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर हो सकता है उसको क्रिटिकल थिंकिंग पे ले आए. जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं ये सोचती हूँ कि जस्ट क्रैमिंग और एक फोटोकॉपियर मशीन हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि जस्ट मेमोराइज एंड देन वो जो है ना डिलीवर कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. एक्टिविटीज जो बेस और क्रिटिकल थिंकिंग, तो आप इवन मैं सोचती हूँ कि पीएस जैसा सब्जेक्ट और इस्लामिक स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में भी आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और क्रिटिकली उनको थिंकिंग करा सकते हैं अगर आप कराना चाहें तो. लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है नहीं, इसके लिए हमारा जो टेक्स्ट बुक्स है मैम, टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा ना दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है कि हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम हमें मजबूरन जो है क्रिटिकली हम उनको जितना भी दे लें, उनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 उसमें उसका ये न्यूमेरिकल है, ये आंसर है, दैट्स इट. कोई डिफरेंट है उसमें आएगा नहीं. तो बच्चे ने वही करना है, जितना भी उनको कर लें वो कहेंगे नो हमें बस यही क्लियर करा दें, दैट्स ऑल. ये तो वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक तो जो हमारा सिस्टम एजुकेशन का है प्लस जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ टू ऑब्टेन नंबर्स, तो वो रोटा लर्निंग स्किल्स जो एक ही चल रहा है और बस वो यू नो दे कॉपी एंड दे पेस्ट द आंसर्स एंड सो देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर थिंकिंग क्रिएटिव या क्रिटिकल या रिफ्लेक्टिव. मैडम अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैडम. एक लफ्ज आपने इस्तेमाल हुआ है स्लाइड के अंदर, नेचर एंड नर्चर. जी या दे आर सेम थिंग. देखिए जी, नेचर तो हो गई ना जो हम फितरत या जो हम लेकर पैदा हुए हैं, हर शख्स जो है उसको अल्लाह ताला ने इनेबल किया है और दिमागी तौर पर जो सलाहियत दी गई है वो तो उसकी जी जिबिल्लत जिसे कहा जाता है वही बिल्कुल नेचर. तो एक तो जो हमारी नेचर है जो हम लेकर पैदा हुए, फिर नर्चरिंग आ जाती है जो हमारी परवरिश के दौरान हमें जो चीजें हमें पेरेंट्स से फैमिली से या एजुकेशनल सिस्टम से प्रोवाइड होती हैं. ठीक है, बहुत मेहरबान. थैंक यू जी. थैंक. ठीक है जी,
चलें फिर, थैंक यू वेरी मच जी फॉर लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम नॉलेज विद यू. ऑल द बेस्ट जी, गुड लक, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन. अल्लाह हाफिज़ जी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह.